ऑडिट किए हैं मंदिर का, और अभी हम प्रभु को बोला कि वो मेंबरशिप ऑफ ट्रस्टी 5 साल वो तो फिक्स्ड पीरियड हो गया, और ये ऑडिट 4 साल फिक्स्ड पीरियड हो गया, कुछ आपके साथ क्यों नहीं कंटिन्यूअस हमारा रिलेशनशिप रहेगा। देन ऑल ऑफ अ सडन आई फाइंड 2 दिन के बाद एक लेटर आता है टू श्री ए के साबत, यू आर अपॉइंटेड एज इनकम टैक्स कंसल्टेंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, फुल स्टॉप। हम फिर प्रभु को देखा और बोला प्रभु ये तो न्याय, बहुत अच्छा किया, आप रहेंगे हम भी रहेंगे और आपका कंसल्टेंट होकर रहेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को छोड़ता नहीं है इंक्लूडिंग लॉर्ड जगन्नाथ को। और जगन्नाथ जी के ऊपर जब केस डाला तो हम लोग फाइट किए सुप्रीम कोर्ट तक, और कलकत्ता से हमारा जो यू नो एक्स मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर में, सो पॉल साहब एंड ही फॉट द केस विदाउट टेकिंग ए सिंगल पाई एंड वी वन द केस। नेचुरली वी विल विन बिकॉज जब जगन्नाथ जी है तो जज का दिमाग ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो हम जरा बड़ा सिंपल आदमी है, हमारे बारे में थोड़ा सा 10 मिनट हम बोलता है। सो 71 में हम जब जाता था ऑडिट के लिए, हमारा दादाजी थे वो फिल्म बफ थे, तो हमको बोले अरे तू कहाँ जाता है मेरा नाती, तो हम बोला हम बम्बई जा रहा है दादाजी, और क्या करेगा ना ऑडिटिंग करेगा, खाता पत्र जांच करके दस्तखत करने से पैसा मिलेगा। बोले इसीलिए बम्बई जाता है क्या, ये तो इधर भी हो सकता है, बम्बई जाएगा तो तू सीए बोलने से सिनेमा एक्टर बनना चाहिए, हीरोइन के पीछे तू भागेगा, पेड़ के पास मोहम्मद रफी गीत गाएगा और तेरे को लाखों मिलेगा। तो एट दैट टाइम ओनली ये सब जो हमारा अमिताभ बच्चन वगैरह उनका भी लाइफ शुरू किए थे, पर हम ये लाइन में आ गया सीए के लाइन में, और इसीलिए क्योंकि जगन्नाथ जी के पास आना था हमको और उनका काम करने का था, तो इसीलिए हम सिनेमा एक्टर नहीं बना, पर एटलीस्ट हम आप लोग के लिए अवेलेबल है, टीवी में आता है ना, तो उस टाइम में लगता है हम भी एक्टर ही है, नहीं तो हम इन्वेस्टमेंट गुरु बोल के क्यों टेलीविजन में आता है। सो एक हमारा लाइफ में एक 10 कमांडमेंट हम रखा है, सत्य न्याय धर्म, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी हार्ड वर्क डिसिप्लिन कैरेक्टर पंक्चुअलिटी एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना 10 कमांडमेंट्स है जिसको हम फॉलो करता है। हमारा जितना लोग सीए बने हैं, जितना आर्टिकल क्लर्क है, उनको पहले ये प्रिंसिपल सबक हम बताता है, इसको फॉलो करेगा तो एक साबत कंपनी में आर्टिकल शिफ्ट करेगा। तो दैट्स द वे आई हैड स्टार्टेड इन 1982। सर हम कुछ ये जो फेमस यू नो तीन चीज हम बोलेगा, नथिंग इज सर्टेन बट डेथ एंड टैक्सेस, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बहुत सालों पहले 500-600 साल पहले बोले थे, ये हर टाइम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। डेथ तो आता है, वेदर कोविड से आता है या किससे भी आता है, डेट ऑफ डेथ इज रिटन बाय गॉड, डेट ऑफ बर्थ हम लोग को पता है, उसको फिल इन द ब्लैंक रहता है वो प्रभु ही डाल देते हैं जिस दिन लेना चाहते हैं। टैक्सेस जो होता है उसको प्रभु का कोई नहीं है, वो सब दिल्ली में जो बैठते हैं उन लोग टैक्सेस डालते हैं, आप माँ का पेट के अंदर जब घुसता है तो तब से टैक्स आपको लग जाता है, क्योंकि माँ मेडिसिन खाती है तो मेडिसिन के ऊपर टैक्स है, और हर चीज के लिए आजकल तो ऑक्सीजन के लिए भी पैसा देना पड़ता है, माँ को अगर ऑक्सीजन जरूरी पड़ता है तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा और आप पेट के अंदर जिंदा रहेगा। सो ये जो टैक्सेस है, ये टैक्सेस लगेगा आपको पैदा होने से पहले और मरते दम तक आप टैक्स देते जाएंगे, ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन जी का जो सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, महात्मा गांधी ने बोला था कि देर इज एनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर ह्यूमन नीड्स बट नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड, पृथ्वी में वो जो नीड सब कुछ अवेलेबल है, हम लोग सोचे थे महात्मा गांधी सही बोले हैं, पर जो देख रहे हैं हम टेलीविजन में, जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है और
उसके लिए लोग मर जाते हैं और वो ह्यूमन नीड्स के लिए वर्ल्ड में बहुत कुछ अवेलेबल है जो बोले हैं, तो वो अवेलेबिलिटी अभी क्वेश्चन मार्क में आ गया है। रॉ मटेरियल नहीं मिलने से इंजेक्शन मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है, उधर बाइडेन साहब स्टॉप कर देते हैं तो अपना इधर कोविशील्ड नहीं बन सकता है। सो ऐसा महात्मा गांधी हैड स्टेटेड। और ग्रीड, ये तो बड़ा डर्टी वर्ड है, और वो बोले थे कि ह्यूमन ग्रीड के लिए ऐसा है, यू वुड लाइक टू बिकम द ओनर ऑफ मून, यू वुड लाइक टू बिकम ओनर ऑफ मंगल ग्रह, बिकॉज उधर ड्रोन अभी चलना शुरू हो गया है। तो ये महात्मा गांधी का। मेरा पिताजी बोले थे, हम बस तीन में हम बंद करेगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट है, लाभ होता है बेटा तो लाभ से लोभ आएगा, और लोभ होता है तो लोभ से तेरा अति लोभ आएगा, और अति लोभ आएगा उसके बाद तेरा मृत्यु हो जाएगा। सो ये एक पंक्ति बोले थे, दिस वाज रिलेटेड टू एवरीथिंग, ही सेड इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए हमको समझा रहे थे, हम बहुत थोड़ा सा पैसा हम गवा दिया ये 92 स्कैम में, तो पिताजी के पास गया, नीचे बैठा, तो पिताजी बोले बेटा मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंक होल्डर बेटा नीचे क्यों बैठा है, हम तो चौकी के ऊपर बैठा है। तो हम बोला पिताजी हम स्टॉक मार्केट में मेरा नुकसान हो गया। वो करोड़पति थे और करोड़पति, बहुत बड़ा करोड़पति होकर गए भी। सो उन्होंने बोला तू किसको कितना पैसा बाकी है बोल दो, मैं चेक दे देगा। पर हम बोला नहीं, सब हम नुकसान को सब नक्की करके आई हैव कम पिताजी, बिकॉज गॉड रिमेन्स मूक, वो सुनते हैं नहीं सुनते पता नहीं है, पर आप हमारे लिए तो भगवान है, सो यू प्लीज टेल मी। देन वो बोले सुनो, लाभ से लोभ हो, लोभ से अति लोभ हो, अति लोभ से मृत्यु। तो खरीदा होगा रिलायंस और फिर लाभ हो गया तो और बढ़ाओ, और लाभ हुआ तो और बढ़ाओ, उसके बाद वो क्रैश हो गया तो तेरा कैपिटल के साथ भाग गया। फिर ही एक्सप्लेन टू मी, वी बिलोंग टू इधर कौरवा या पांडवा, एंड जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो तब उन्होंने प्रेयर किया लॉर्ड कृष्णा को, एंड लॉर्ड कृष्णा प्रोवाइडेड हर सारी टू उनका जो लज्जा को बचाने के लिए। ये जो स्टॉक मार्केट है ना बेटा, तू अगर सीखा नहीं उस महाभारत का चीज को, तो फिर तू तेरा सब कुछ लूट जाएगा और तू कृष्णा कृष्णा करते रहेगा, तेरा पैंट शर्ट सब निकल जाएगा और तू खाली चड्डी में रह जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना, जब स्टॉक मार्केट के अंदर घुसते हो तो लाभ होने से उसको खाली टेलीविजन में मत देखो, नीचे जो आता है वो लाभ को घर में लेकर आओ और उसको कन्वर्ट करो प्रॉफिट में। वी ऑल रिमेम्बर इन मार्च 20, इट वाज 25,638 ऑन 23rd मार्च एंड इट रीच्ड 52,000, ऑलमोस्ट 100% द इंडेक्स वेंट अप इन ऑन फेब्रुअरी 16th 2021। अभी 48,000 है, पर ये जो सेकेंड फेज चलता है क्या होगा मालूम नहीं है। तो इसके लिए वो अप्लीकेबल है, अगर लाभ है घर में लेकर आइए, छोटा टीवी है तो बड़ा टीवी खरीदिए, और गाड़ी खरीदने का है तो ये प्रॉफिट से खरीदा बोल के आपका दिमाग होना चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक के लिए अपना दिमाग सब आउट हो गया है, बहुत लोग पागल जैसा होते हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। सो Please always try to book your profits. ये हमारा advice है सबको, अपना family members को, और आप भी हमारा family member ही है, तो हम इसको एक advice जैसा आपको देते हैं। Then before we go to tax things of 21, I would like to tell you certain things. One is हम लोग बहुत धनी नहीं है, मालूम नहीं है आप लोग कितने बड़े सब करोड़पतियां हैं, हम तो नहीं है, हम खाली हमारा गुडविल वाला जो धनी है और वो उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। हम बोल दिया ऑनेस्टी इंटेग्रिटी और ये जो सत्य न्याय धर्म ये सब फॉलो करने से जनरली हमको बाहर में घूमना नहीं है, हमको कोई भी म्यूजियम में डालना चाहिए, लोग ऐसा बोलेंगे इतना ऑनेस्ट क्या है रे, वो सावत साहब खाली ऑनेस्टी का बात करेगा, पर हम नहीं छोड़ेगा ये प्रिंसिपल, हम कंटिन्यूसली फॉलो करता जाएगा। So,
हम लोग मिडिल क्लास है, दैट इज व्हाट वी शुड थिंक. एंड आवर मोदी जी एंड हिज प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच दे हैव बीन मेकिंग, इट्स ऑलमोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को धीरे धीरे मिडिल क्लास से और नीचे हम लोग आ जाएंगे और बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड हमको नहीं देंगे बीपीएल. तो ये 5 kg वाला जो एक्स्ट्रा सब देते हैं ना, व्हीट या राइस, वो तो हम लोग को मिलेगा नहीं. और ये जो यू नो पेट्रोल और डीजल, ये जो 100 rupees हो गया है, तो उसमें से तो हाउ वी आर हर्ट, that is also known to us. And in tax, the corporate sector has been given what? I will tell you, under 115 BAA. And for us, if it is 115 BAC, then what will happen in 115 BAC if one opts? Because that's applicable for 21-22. So, वो एक चीज़ है, हम सब के लिए वो है कि we are all hurt. And fees में तो बहुत हमारा डिस्टर्ब होने वाला है, वो भी बात करेंगे. देन द फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का इतना हो गया है कि इट इज अनथिंकेबल. एक टाइम आ गया जब हाथ टेक दिया गवर्नमेंट और बोला जाने दो, वो फिस्कल डेफिसिट जो होना है होगा. 3.5% बोले थे तो 6.8% shown by government, not shown, it will be different figures, you know, higher only, not lower. Then how does the fiscal deficit meet? गवर्नमेंट मीट कैसा करते हैं अगर 14-15 lakh crore का डेफिसिट होता है? तो अपना ट्रायल बैलेंस जैसा टैली होने के लिए हम देखना पड़ता है. एंड डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोल के डाल देंगे. अगर बॉस पूछेगा रे हो गया क्या, हाँ हो गया, देन वो बोलेगा ऐसा तुम चीट करते हो. तो इधर क्या होता है, द फिगर ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज मेट बाई द बोरोइंग्स. एंड 16 lakh crore, 16 lakhs crore is the deficit, 16 lakhs crore will be the borrowings. And borrowings are such that the interest itself we are not able to give, and that's part of the deficit. And interest ke liye government again borrows. So it is like a debt trap for the government. So how does the government think? It is the thinking ye hum disinvest karega. Disinvestment mein kabhi bhi no government has become successful, but this government is trying to sell PSUs, and 51% all PSUs ko pehle lekar aane ka aur kuch PSUs ko bechne ka, then kuch public sector banks ko privatize karne ka, do bole hain to do teen pehla to bechne ka government is trying, and then they are thinking LIC ko privatize karne ka, and privatize doesn't mean that it will go below 50%, pehle usko company karenge. And then उधर से it will be 10% भी suppose they do, they are expecting 1 lakh crore to come. So current year ये दीदी का जो भी होगा, मई सेकंड का रिजल्ट के बाद और इलेक्शन नहीं है, जितना सारा चीज करने का ये 21-22 में मोदी जी will try to do it. And there is one item called as a sale of surplus land, monetization of assets for the purpose of countries अच्छा के लिए. So जितना surplus land suppose BSNL में है या it is with railways का मना किए हैं, but दूसरा various जगह में government का जगह available है. And even company sell करने से पहले उसका अगर surplus land available है, उसको अलग से एक land bank में transfer करेगा, balance company को बेचेगा. So that sort of thing सब thinking चलता है, how to sell off. And once the public sector PSUs, the percentage comes down from 51% to 49%, then we lose even PSU audits from CAG. Public sector banks, the PSBs are supposed to be, unka jo sapna hai, that is only 5 banks or 6 banks, excluding SBI, it will be only 5 more banks. It means 6 bank agar rahega, 6 into 4 is 24 auditors, and state bank mein 14 hote hain, to 10 more auditors. So that's all. So 34 auditors rehne ka aur 15,000 application jata hai to the C&AG office. Soch lijiye PSB even hum log ko jo ki 40 saal ho gaya, 12 partner hamara hai, humko bhi milne ka difficult hai, because ye points ka dhanda hai, aur points mein ये जो जेन्युइन पार्टनर्स लेकर
बनाकर उसको सेंचुरी मार के ऊपर जाने का 100+ में रहने का इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. सो नेचुरली दिस ऑल बीइंग अलॉटेड ऑन पॉइंट सिस्टम, प्लीज रिमेंबर दैट. सो ये दो में द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गोइंग टू बी हिट. एंड ब्रांच ऑडिट आप लोग को मालूम है, जस्ट नाउ वी हैव ऑल डन टू ब्रांचेस लाइक दैट. फ्यूचर में देयर थिंकिंग इज why should it be that the branches should be audited by chartered accountants? Let them do the concurrent audits, uske liye paisa do. But ye 10 din mein these audits karke un kisi ko 5 lakh 7 lakh dene ka, this is not correct. Wohi 7 lakh de do 50-60,000 per mahina and 21 din ka attendance register mein sign karke hum log ko fir we have to do the concurrent audit. This is what is the government's thinking, and that's also that will be deemed to be internal audit. So internal audit is covered. And this 7 days, 10 days में जो bank audit देते हैं, this might be there, might not be there. 10 years back, this was told to me by one of the ex-presidents of institute. भूल जाओ साबित, that future में bank audit, branch audit रहेगा. ऐसा बोल के बोले थे, जो कि सच हो रहा है अभी. And आप ये तो हो गया अपना borrowings and deficit. And उसके बाद the inflation is a taxation for which no legislation is required. Government को law pass नहीं करने का. Inflation automatically बढ़ता है और बढ़ता जाता है. And never we have found that inflation has been lower than 6% as of today. And especially in the vegetable market वगैरह किधर जाएंगे, तो we know inflation has been as compared to last year, this year it is 100% up. ऐसा कोई आइटम जो कि केजी में मिलता था, अभी 250 ग्राम खरीदना पड़ता है. ऐसा टाइम भी आया था जब कांदा प्याज जो है वो आपका 90 रुपया हो गया था, और प्याज देखने से रोना आता था, काटने से रोते हैं, पर ऐसा टाइम आ गया प्याज देखने से रोना आ गया. टमाटर खरीदेगा बोलेगा तो टमाटर ऐसा देखने से भी रोना आ गया, क्योंकि जब As if the tears are not coming as ordinary water, but it is blood रोता है. सब आइटम अगर ऐसा बढ़ेगा तो आप क्या करेगा? So this is not understood by Madam Sitaraman when she has made the budget. कुछ नहीं दिया हम लोगों को, कुछ नहीं दिया. और हमारे अभी tax audit, I'm coming with the first item, the tax audit 44AB को 1 crore वाला जो था उसको पहले 5 crore किया और उसको 10 crore किया. एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग दैट 5% ऑफ इफ इट इज नॉट इन कैश ऑफ योर रिसीट और 5% इज नॉट पेमेंट इज इन कैश, देन एवरीथिंग थ्रू चेक्स एंड ये, देन नो टैक्स ऑडिट विल बी एप्लीकेबल. एंड मेनी कंपनीज आर टेलिंग चलो टैक्स ऑडिट से हम छुटकारा मिल जाएगा हमको. सो आप सोच लीजिए कि कुछ मेनी टैक्स ऑडिट फीस हमारा चला जाएगा. तरुण आपको बोल देगा कैसा जीएसटी ऑडिट नहीं करने का सोच रहे हैं, और नहीं अगर एप्लीकेबल होता है तो जीएसटी ऑडिट का फीस भी चला जाएगा. सो दो हो गया हम लोग को जो हिट. थर्ड वन, कंपनी एक्ट ऐसा अमेंडमेंट किया है हर जगह में एजिंग लाया, एजिंग एंड संडे डेटर्स का एजिंग. हम तो मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ देते थे, अभी बोलता है 1 year, 2 years, 3 years, 4 years ऐसा सब करो. एंड संडे एडवांसेस को भी ऐसा सब दो. सो ऑल दीज एडिशनल डिस्क्लोजर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द कंपनीज एक्ट चेंजेस फ्रॉम 21-22 ऑनवर्ड्स, इट विल पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस. क्लाइंट नहीं करेगा, बड़ा क्लाइंट का छोड़ दो, उसका कंप्यूटर सिस्टम कर देगा. हमारा जो छोटा छोटा क्लाइंट्स है वो बोलेगा सर ये सब करने का है ना, तो आप जरा बैठ के करवा दीजिए ना, लाइक दैट ही विल टेल. एंड आप फीस का बात करेंगे तो वो बोलेगा ये तो कंपनी एक्ट का रिक्वायरमेंट है, आप ऑडिटर है ठीक है, कुछ 50,000-25,000 जोड़ देंगे आपके लिए. कोविड पीरियड में क्या सारा पैसा एक्स्ट्रा मांगते हो? दिस इज द वे वी विल लिसन. थिंक अबाउट कारो, क्या चेंजेस लेकर आया है, अपना गला गवर्नमेंट के हाथ में रह गया. इज द कंपनी बोरिंग जो किया है उसको ठीक तरफ से यूटिलाइज किया, रिलेटेड टू फॉर व्हाट पर्पस दे हैव ऑब्टेंड और वेदर दे हैव डाइवर्टेड. डाइवर्टेड हर जगह में होता ही है, सबको मालूम है, उनको भी मालूम है, पर वो अभी ऑडिटर को बोलता है रिपोर्ट करो इसके ऊपर. देन
the monthly stock statements which are being given. Hum khali do char bolta hai karo ka. Monthly stock statements which you are giving, that should tally with your books of account. It means aapko almost monthly accounts ko verify karna padega. Quarterly review, jo only quoted companies ko applicable hai, that will become applicable to us. Jidhar bhi hum audit karte hain, jahan bhi loan wagera liye hain, companies from the banks and all, it will become applicable. Very, very dangerous situation which is there for the purpose. Hum bolte hain, sab thinking process is okay of the government. Lot of people have been found to be willful defaulters and country chhod ke bhag gaye hain. Bhogoda wala act aaya hai, jo country chhod ke chale gaye hain. Whether it is Nirav Modi or Mehul Bhai, ya aur kitne bhai hai jo ki sab India chhod ke chale gaye hain. Aur kitna saal ho gaya abhi chale gaye hain. Government is not able to bring them and kha gaye hain sab paisa. Gareeb log ka paisa wo kha gaye hain. So this is where auditors are going to face very big problems. And unemployment, we all know, it is very bad. People are sitting in the house. So, chori wagera jo jyada bad gaya hai, the security cost, security ko rakhna padta hai raat mein, kyunki wo kaisa hamara chori nahi hoga. Wo chodiye, aap apna bibi ko scooter mein lekar ja rahe hain by chance, and wo sona pehenti hai, gold, to usko aisa छड़ाकर लेकर चले जाते हैं कि बीवी नीचे गिरती है और हॉस्पिटल को लेना पड़ता है. सो इट हैज बिकम सच ए बिग इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हर जगह में दैट इट इज ओनली आफ्टर द पेंडेमिक इट हैज बिकम वेरी मच हाई एंड इट इज पेंडेमिक वन विच केम 1920 एंड नाउ द पेंडेमिक ऑफ 21 इट इज सो हाई एंड इट इज स्टेटेड दैट हर दिन का जो फिगर है 360,000 अभी कल का है. It will become 5 lakh very soon after May 2nd. So what type of problems it will bring to the economy, because bahut jagah mein lockdown and the lockdowns to be extended, it has come. And you must have seen today's Economic Times, time extensions have been given. All of a sudden, usko hum padhte hain, kal bhi aa gaya tha hum log ko WhatsApp mein. But time kisko diya? Auditor ko diya hai? Nahi. VSVS स्कीम में अगर आपका स्कीम अप्रूव हो गया है तो अप्रैल 30th को आपको जो पेमेंट करने का था, यू विल मेक द पेमेंट बाय जून. तो इट मीन गवर्नमेंट के लिए ये टाइम एक्सटेंशन, हम लोग के लिए दे ओनली पैसा को हम हाथ में थोड़ा सा रख सकते हैं 2-3 months. दैट इज द ओनली थिंग. अदरवाइज हमारा तो द अपील आर द ट्राइब्यूनल में, हम तो विड्रॉ कर दिया हमारा केस. देन बाकी टाइम एक्सटेंशन इज फॉर द डिपार्टमेंट. If 148 notice has not been issued by 31st March, then it can be issued by 30th June. And if the such assessment was to be completed by 30th April for 17-18-19 searches and 19-20 ka 30th September, to abhi ye jo 2 saal ka 30th April tak karne ka tha, that has become, now they have got 2 months extension. All time barring assessments, they have got 2 months extension. ऑडिटर को एक्सटेंशन या रिटर्न फाइलिंग का एक्सटेंशन, वो ओनली अराउंड जून एंड में, कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन, दे विल जस्ट यू नो ट्राई टू गिव. एंड वी ऑल नो दैट 31st अक्टूबर इज द रिटर्न फाइलिंग फॉर कंपनीज एंड 30th नवंबर इज फॉर जिनको ये हमारा जो सेक्शन 92A वगैरह एप्लीकेबल है उसके लिए वो नवंबर है. और सेप्टेम्बर को हमको टैक्स ऑडिट देना है. तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन सितंबर, रिटर्न फाइलिंग इन अक्टूबर, एंड अगर 92A एंड दो सेक्शंस आर फॉर आवर यू नो द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस बिटवीन योर डिफरेंट कंपनीज, रिलेटेड कंपनीज, देन उसका नवंबर है. तो बाकी एक्सटेंशन सब पीछे ही बात कर सकते हैं, अभी तो वो नहीं है. देन 115BAA, अब सोचिए 115BAA में क्या आया. उसमें कंपनियों को 25% 25.17% इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स सरचार्ज एंड सेस, एंड बट यू हैव टू लूज सो मेनी बेनिफिट्स, ऑल द इंसेंटिव्स, ऑल द ये, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल एंड एवरीथिंग इफ यू
want to lose, and then you will come for 115 BAA. Now, 115 BAA में एक change आया है जो आप remember कीजिए कि उसमें था only the part C of the deductions, that is any deductions which are related to incentives, ATHHC या ATIB या ATIA, ये सबको आपको जाने था, but ATG was allowed for 2021 when 115 BAA became applicable. अभी आप देख लीजिए जो amendment लाया है, वो amendment में आपको ATG भी नहीं मिलेगा और ATGG भी नहीं मिलेगा. It means जो political party को भी जो donation देते थे वो मिल जाता था, वो भी नहीं मिलेगा. It means they will say भगवान को देने से तो नहीं मिलेगा, हम क्या है तो हम कौन है, हम भगवान से ज्यादा बड़ा है क्या. बट उधर से वो अलग से पैसा जो लेने का, that will go, वो कभी बंद नहीं होगा. So 115 BAA में please remember additional depreciation का हम सोचे थे, and I have given in writing also to the BJP का cell, उन्होंने हमको पूछे थे. So I said that एक काम कीजिए, option is not required to be taken only in 2021. Once option taken, it will not be reversed. तो 21-22 में हम लेगा या 22-23 में लेगा. So at that time, whatever additional depreciation mera carried forward hai, it should be adjusted against the double dividend. वो amendment लाना चाहिए. But what they did, you have to claim the additional depreciation, जो भी आपका accumulated है, that will be adjusted to the opening double dividend as of 1/4/19. And आपका last year का tax audit report का format में भी दिया है, ये 2021 assessment year में वो adjustment आएगा. 21-22 में आप ऑप्शन लेगा तो आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देखेंगे तो दैट विल नॉट बी अवेलेबल, इट मींस द एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी लॉस्ट. सो वो एक चेंज नहीं आया. और एटीजी में आप अगर कुछ दान करते हो, जगन्नाथ मंदिर को आप देंगे तो एटीजी इज अवेलेबल फॉर रिपेयर्स रेनोवेशन, वो आपको नहीं मिलेगा फ्रॉम 21-22 बिकॉज इफ यू आर अंडर 115 BAA. 115 BAB आपको मालूम है 1st October 19 में अगर कंपनी किया है और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट्स बिफोर 31st मार्च 23 देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 15% टैक्सेशन इंस्टेड ऑफ 22%. बट जब से इन्होंने ये अनाउंस किया उसी टाइम से ही शुरू हो गया है ये जो कोविड फ्रॉम चाइना से शुरू हुआ. अक्टूबर 19 को लाया, ये तो नवंबर 19 से शुरू हुआ उधर. और अभी 19-20 वेरी फ्यू पीपल विल कम फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया बिकॉज फिर मैन्युफैक्चर करने का तो वेरी डिफिकल्ट है इन दिस कोविड पीरियड. द सेटिंग अप ऑफ द फैक्ट्री इटसेल्फ इज सच ए बिग प्रॉब्लम. एनी हाउ गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट इट, मोस्ट प्रोबेबली 31st मार्च 2024 तक उसको एक्सटेंशन करेगा क्योंकि 24 के बाद मोदी जी को फिर इलेक्ट होकर आना है. सो बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाला है अगले साल क्योंकि अगले साल यूपी का इलेक्शन है तो इसीलिए शायद कुछ नहीं दिया इसमें. 115 BAC खतरनाक चीज है, कोई अगर ऑप्ट करता है. आप सोचिए वही a standard deduction of 50,000 should be lost because the option is to be taken this year. So aap log ka jo clients puchenge, sir ye lower taxation alternative tax mechanism mein should we go, then you will say acha aap ko khali itna batate hain ab bolna ki aapka standard deduction salary se nahi milega 50,000, aapko ATC nahi milega 1,50,000, आपको 80 ये पेंशन कंट्रीब्यूशन वो 50,000 नहीं मिलेगा, देन आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पिताजी माताजी और आपका लिया है तो उसमें 50,000-55,000 जो है वो नहीं मिलेगा. और खाली नहीं मिलेगा का लिस्ट उसको बोलते जाइए, उसके बाद बोलेगा और मत बोलिए सर मैं कोई 115 BAC में जाना नहीं है. यू विल नॉट गेट द हाउस ये डिडक्शन योर यू नो लोन फॉर योर हाउसिंग. So, वो 2,00,000 नहीं मिलेगा. और ATEEA में जो 1,50,000 दिया है और एक साल हम बढ़ाया बोलता है, बट इफ यू गो फॉर 115 BAC वो भी नहीं मिलेगा. सो बेसिकली नहीं मिलेगा ज्यादा होता है. योर सन इज रीडिंग और योर डॉटर इज रीडिंग इन MBA इंस्टीट्यूट फॉर विच यू हैव टेकन लोन,
and that loan ka interest jo hai, that interest is deductible from your total income. So that you are not going to get. And aap ye soch ke liya tha ki chalo 10 lakh rupiya hum loan liya, mera beta padhta hai ya beti pad rahi hai. और उसका ब्याज आप देते थे, वो ब्याज आपको माइनस होता था इनकम से. वो 115 बीएसी में जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलने वाला है. देयर आर मेनी अदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जो कि आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80 जेजेए. जेजेए इज एन एम्प्लॉयमेंट थिंग. सो एम्प्लॉयमेंट इज फॉर अदर्स. जो अगर किसी ने बनाया है कोई ये उसके लिए एम्प्लॉयमेंट में अगर ज्यादा लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसको डिडक्शन वाला एक ही है. 80G तो उड़ा दिया है, नहीं मिलेगा बोल के. सो देख लीजिए कि 115 बीएसी इज नॉट दैट ओके. एम्प्लॉयज के लिए आप सोचिए, एक बोला कि एलटीसी देगा आपको, क्योंकि 18 से 21 दैट 4 इयर्स इज सपोज टू बी वन ब्लॉक. एंड क्या ये बिकॉज ही नोज that one cannot go on LTC to Haridwar. अरे कुंभ मेला में जाने का तो कोविड मेला हो गया, उधर से तो people came with COVID and they have spread the COVID. So आप बोलेंगे पिताजी हरिद्वार जाएंगे, वो बोलेंगे क्यों जाएगा बेटा, मेरा मेरे को मरना है क्या. Like that it will come. So then what idea सीतारामन मैडम और उसका जो ऑफिसर्स है ब्यूरोक्रेट उनका दिमाग में आया कि आप एक काम करो, 36,000 तक आपको मिल सकता है प्रोवाइडेड यू मल्टीप्लाई बाई 3, 1,08,000 रुपया खर्चा करो एंड जीएसटी 12% उसमें रहना चाहिए, देन तेरे को 36,000 मिलेगा डिडक्शन. क्या दिमाग है, है? ये ब्यूरोक्रेट्स का. व्हाट यू थिंक अबाउट द पीपल, they have more money to spend, they don't have money to spend, they are cutting on their fooding, they are cutting on their expenditures and you are telling LTC ko lena hai to aisa tum kharcha karo. Phir last year kar diya 7,50,000 se, if it is your pension, your provident fund, ये सब मिलाकर अगर 7,50,000 से ज्यादा हो जाता है, then that will be deemed to be perquisite for the purpose of taxation. And current year क्या किया? If you are doing voluntary contribution of provident fund more than 2,50,000, then that more than 2,50,000 जो additional contribution आप करते हो, on that the interest is to be computed and that additional amount will be taxed under income from other sources. Then when the bill was passed, all of a sudden वो बढ़ाए हैं 5 lakh, हम सोचा अच्छा किया. But when you read it, you find that 5 lakhs is where there is no contribution by the employer. Then only your contribution means 5 lakhs बढ़ाए हैं. तो अपना तो contribution अपना होता है और employment में तो employer contribute करता है. तो for such employees 2,50,000 only is the figure. एंड यूलिप में भी ऐसा वाला रेस्ट्रिक्शन लाया है जिधर यूलिप पीपल यूज टू पुट इट एज इन्वेस्टमेंट सो दैट वन गेट्स, और 10% से ज्यादा दिया है तो द प्रीमियम बिकॉज इट इज जनरली रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट था, उसको भी टैक्सेबिलिटी में गवर्नमेंट लेकर आ गया है. व्हाइल वी आर ऑन द प्रोविडेंट फंड एंड दिस, लेट मी जस्ट टेल यू वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स डन टू ऑल ऑफ अस इज the employee's provident fund if not paid by due date. Enough court decisions have come related to employee's contribution, including the Rajasthan High Court ka, wo jo Rajasthan warehousing ka corporation ka, uska confirmed by the Supreme Court. And udhar bole hain, due date means aapka ye jo due date bolte hain, wo return filing date hai. Jo employer ke liye hai, wo bhi employee's contribution. They have brought it assessment year 22-23 se, it means 21-22. So for current year itself, if the payment is not made by 15th, generally hum log ka 15 tarikh ka date rehta hai provident fund ka. So employee's PF if not paid, employer's PF that comes under 43B. So this they said it doesn't come under 43B, it is a 36 section ka hai. And if you have not paid by exactly the date which is as per the law of the PF,
RESIC, then it will not be allowed and not allowed forever. Imagine एक दिन का due to some reason delay हो गया आपका, तो पूरा employees PF काटा और उसको deposit किया दो दिन के बाद due date का, and you will lose. You have to pay tax on that. So this is and the paragraphs which are written, if you read, you will just say क्या दिमाग है इन लोगों का. You know, they have stated it has never been thought that it is an item under section 43B. 43B ko amendment kiya aur 36(4) ko 36(1)(4) mein udhar lekar aaya, that it has never been thought that this is an item which is supposed to be deemed to be with employees contribution jaisa ye cheez nahi hai, and deemed to be never have been thought. Kaun sa ITO aapko dega sir अगर पेंडिंग है असेसमेंट, कौन सा सीआईटी अपील आपको अलाउ करेगा? बोलेगा अरे साबस साहब वो तो हम तो मिलते नहीं है, हम इंग्लिश में लिखते हैं, वो इंग्लिश में हमको लिखेगा. बोलेगा यस मिस्टर एआर, ये जो पैराग्राफ गवर्नमेंट ने डाला है इट इज डीम्ड टू बी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, सो वी विल बी ऑल इन ट्रबल. हमारा कटक ट्राइब्यूनल में हम जीते हैं और वेरियस अदर ट्राइब्यूनल फेवरेबल डिसीजन आर देयर रिलेटेड टू दिस. हाई कोर्ट का डिसीजन है एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एक्सेप्ट केरला हाई कोर्ट एंड अंदर हाई कोर्ट, दो हाई कोर्ट ने बोला नहीं 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 एम्प्लॉय का पैसा अगर तुम रख देते हो, अरे ये महीना के अंदर अगर दे दिया तो एटलीस्ट अलाउ करो, बोलो फॉर एवर इट विल बी डिस अलाउ. दिस इज अ वेरी बिग इनजस्टिस विच हैज बीन ब्रॉट. देन सर ये जो TDS आया, पहले TCS ये आया था सेल्स के ऊपर अक्टूबर 20 से, नाउ परचेजेस के ऊपर भी लाया है. इफ यू डू दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 21 एंड इट इज 0.1%. सो आप 50 लाख से ज्यादा जिसके साथ परचेजेस का ट्रांजैक्शन है आपको TDS करना पड़ेगा. सो TDS, TCS, compliance are becoming very, very difficult, and we will have to see that the our client complies. Otherwise, what will be happening? Our tax audit report may, if we are not reporting properly, the assessing officer has a right to refer to the institute, stating that your this auditor has done like this wrong certification and misreporting, under reporting में उसको the client को भी बोलेगा तुम auditor के साथ हाथ मिलाया, उसको compromise किया और इसको this has not been reported. I have found from the scrutiny. Auditor को भी पकड़ो और SSC को भी पकड़ो. Goodwill, अरे कितने सारे decisions है including the Supreme Court. Goodwill is an asset. And now they have stated from 21-22 goodwill is not an asset. अरे बाबा इतना काम किया हम, 40 साल काम करके अपना फर्म को बनाया, आज ही एक पार्टनर लेता है. अगर हम कोई क्लॉज रखा है बेटा तू ज्वाइन हो रहा है पर थोड़ा सा तू गुडविल देगा, हाँ हम लोग जो गुडविल को क्रिएट किया है. और एनी कंपनी charges goodwill because of giving some sort of additional equity jo dete hain, udhar premium bhi lete hain, wo bolte hain you are becoming the part owner of the organization, goodwill has been valued by a proper valuer, to aap goodwill ke babat mein itna dijiye. Ya reconstruction and amalgamation and ye jo hota hai hamara wo usme the valuation mein aata hai, either capital reserve aayega ya goodwill aayega. वो गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट बोल के डाल के 25% का वो डेप्रिसिएशन में लेते थे. नाउ ही हैज स्टेटेड गुडविल इज नेवर टू बी एन एसेट एंड डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड ऑन गुडविल. ये सब जितने सारे डिसीजन था ये सब रिवर्स करने का. जेटली साहब जब हुए वो बोले हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसका मीनिंग रेट्रोस्पेक्टिव होगा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को रिवर्स करके जरा केसेस का यू नो वी हैव टू ब्रिंग इन एंड नॉट गिविंग एनी रेस्पेक्ट टू जुडिशियरी. वो तो चले गए भगवान के पास और उनके बाद जो आए हैं अरे बाबा ही डज नॉट अंडरस्टैंड. एंड पार्लियामेंट में बोलते हैं कांदा बढ़ गया, कांदा प्याज बढ़ गया बोलने से सी टोल्ड, अरे माई फैमिली डजंट टेक
Yeah, so I'm not concerned about it. And अलग समय सुना है अमित शाह जी उनको बोले, अरे तू नहीं खाती है तो दुनिया नहीं खाता है क्या? है देश में प्याज खाने वाला कितना है तेरे को मालूम है? पार्लियामेंट में बोल देती हो, जो इच्छा है वो बोलती जाती हो। अरे बाबा कोई बीजेपी का आप लोग आदमी है तो मेरे नाम पे नहीं बोलना है, फिर मेरे पास वो नली बत्ती वाला गाड़ी आ जाएगा। ये हमारा फैमिली के अंदर हम बात करते तो हम आपको बताता है हाउ द ब्यूरोक्रेट्स डू नॉट थिंक फॉर अस, हाउ द ब्यूरोक्रेट्स नेवर थिंक दैट हाउ द बेनिफिट्स आर टू बी गिवन टू द जनरल पब्लिक हु आर इन डीप ट्रबल फॉर द लास्ट टू इयर्स। ना 20 का बजट में हमको मिला ऐसा कुछ, ना 21 का बजट में कुछ मिला। सो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, फिर पेमेंट कंट्रीब्यूशन का बोले हैं, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट तो डिले होता ही है, तो उसको ATIBA को उसको एक साल का एक्सटेंशन दिया। और एक चीज है आपका जो दिस ऑल द स्टार्टअप्स विच आर देयर, उनको जरा लास्ट टाइम भी अच्छा दिया था और अभी भी स्टार्टअप को दे हैव जस्ट गिवन टेलिंग दैट वी आर गिविंग यू टाइम एंड 3 साल योर प्रॉफिट यू हैव टू चूज आउट ऑफ 10 इयर्स एंड ESOP के ऊपर जो टैक्सेशन उसको भी कैपिटल गेन का उसको डेफरमेंट किया, सो इट विल नॉट बी इमीडिएटली टैक्सेबल, व्हेन यू सेल इट विल बी टैक्सेबल। एंड 54GB जो क्रिएट हुआ है, आप रेसिडेंशियल हाउस को अगर बेचेगा, बेचकर पूरा कैपिटल गेन को आपका वो कंपनी में स्टार्टअप में अगर डालेगा तो द कैपिटल गेन्स विल नॉट बी टैक्सेबल, दैट ही हैज सी हैज गॉट इट चेंज टू 31 मार्च 2022, तो वो कर सकते हैं। दूसरा चीज आपका वो जो बेंचमार्क प्राइस रहता है गवर्नमेंट का, उसमें से आप जब खरीदते हो तो पहले था 105% होने से वी विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, देन उसको 110% किया, 10% का डिफरेंस होने से भी विल नॉट आस्क बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड रियल एस्टेट मार्केट बींग वेरी मच इन ट्रबल। नाउ शी हैज ब्रॉट इन इट दैट इट कैन बी 20% तक जा सकता है, सो दैट जो इन्वेंट्री पड़ा है वो इन्वेंट्री कैन गो फ्रॉम द रियल एस्टेट मार्केट। सो एंड दैट देयर इज अ टाइम लिमिट, इफ शी डजंट एक्सटेंड, आपको रजिस्ट्रेशन 30 जून से पहले कर देना पड़ेगा अगर 20% का आपको एडवांटेज लेना है तो। देन आपका जो चेंजेस लाया है, आप रिमेंबर कीजिए, धीरे 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 योर टाइम लिमिट इज कमिंग डाउन। नाउ द इनकम टैक्स रिटर्न यू विल फाइल इन नवंबर, सपोज इट इज स्टेटेड आर अक्टूबर, द 31st December इज द लास्ट डेट फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग योर रिवाइज रिटर्न। टाइम ही नहीं होगा आपके पास अंदर घुस के जरा देखने के लिए। देन उसके अंदर असेसमेंट अगर 143(1)(e) ही करके दे देगा और आप फिर बोलेंगे ये तो 143(1) हो गया, इसमें सो गलती उसने किया, मैं तो अपील में जाना पड़ेगा, एंड देन दे विल से और रिवाइज रिटर्न अब फाइल किया, असेसमेंट तो हो गया आपका 7 दिन के अंदर हो गया है, इमीडिएटली यू हैव टू स्टेट 154 फाइल करो, गलती किया है तुम एंड आई विल फाइल माई रिवाइज रिटर्न, अगेन लिटिगेशन में जाएगा। लिटिगेशन के लिए क्या किया उसने, VSBS स्कीम चला गया, पर सेटलमेंट कमीशन को उड़ा दिया, क्योंकि वो दे वर थिंकिंग वो सेटलमेंट होता है उधर और उधर कमीशन का धंधा चल रहा है, सो सेटलमेंट कमीशन को 1/4 से 1st April से उठा दिया। देन क्या बोला है, द स्मॉल फेलोज दैट इज द बिजनेस पीपल जिसका 50 लाख से कम इट इज योर दिस इनकम एंड उसमें 10 लाख का जस्ट अगर एडिशन वगैरह हुआ है वेरिएशन, देन यू कैन गो टू DRP। DRP क्या होता है, ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी होता है, इट कंटेन 3 commissioners। कौन सा कमिश्नर विल से दैट ही इज असेसिंग ऑफिसर है डन रॉन्ग। जनरली हम लोग को CIT अपील और DRP में वी विल नॉट बी गेटिंग रिलीफ, ऐसा सोचना चाहिए क्योंकि वो डिपार्टमेंट का आदमी है। और इमीडिएटली जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, अपील करने से 20% देना पड़ता है और अपील में आप हार जाने के बाद वो 100% दे दो बोलेगा,
and then after you have to go to tribunal and tribunal mein you have to ask for stay or you have to say that main sir 50% dunga. No tribunal gives you full stay. They say kitna 20% diya hai kya, acha aur 20% de do na, hum log tumhara kar denge 6 mahina ke andar, yours will be done. Aur wahan face chalta tha. Abhi agar ITIT mein faceless ho gaya to he doesn't know AK Sabat is a nice person and he has requested there are time de dete hain. They will be instructed किसी को ज्यादा टाइम नहीं देना और यहाँ ऑलमोस्ट 100% पैसा आपको लेकर चले जाएंगे इन हाई पिच असेसमेंट. सो बी वेयर प्लीज व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम टैक्स रिटर्न इटसेल्फ यू शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल दैट एरर्स डू नॉट अराइज. एंड आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप 30 सितंबर को दिया होगा तो गवर्नमेंट हैज स्टेटेड एंड गॉट द रूल को अमेंडेड द लेटेस्ट फॉर्म 3CD में जे यू कैन रिवाइज योर फॉर्म 3CD और एक बार यूडिन क्रिएट करेंगे एंड बोलेंगे कि इधर ये आइटम में आई एम नाउ रिवाइजिंग एंड आइटम्स भी उन्होंने बोला है. सपोज बोनस 30 सितंबर को नहीं दिया बिकॉज सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में वो अक्टूबर में देते हैं, इधर दीपावली होता है नहीं तो आपका दशहरा होता है. So, वो प्रिंसिपल के हिसाब से 30 सितंबर व्हेन वी आर गिविंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ही हैज नॉट पेड, सो हम लोग बोलेंगे अनपेड सो ऐड करो, वेयर एज अक्टूबर में रिटर्न फाइलिंग के टाइम उसने कर दिया है. सो दिस इज वेयर इट विल कम दैट ही हैज ऑलरेडी पेड सो आई एम नाउ गिविंग रिवाइज्ड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. सो दिस इज वन चेंज विच दे आर ब्रिंगिंग, इट इज फॉर गुड ओनली बिकॉज अदरवाइज प्रॉब्लम्स वेर कमिंग इन द मिस मैचिंग of the tax audit report vis-a-vis the income tax return. And also, agar 115BA ko ye log up nahi kiya hai by September, in our report, hum log bolenge ki 115BA, no, uske hisab se depreciation calculation wo sab wagera hum diye honge. Uska, usko bola hai, due date of filing return tak aapka time hai, option lene ke liye. Phir October mein wo le lega. To October mein uska due date hai. If he takes that, then again all the tax computations, everything will undergo change. So these are the things which we have to keep it in mind. Then faceless assessment. अभी जब ऑडिट हम ये साल का करते हैं 2021 का, सोचो कि असेसमेंट हो रहा है अगले 6 महीने के अंदर या रिटर्न फाइल करेंगे तो 3 महीना में असेसमेंट होने वाला है. तो the whole file should be prepared in such a way कौन सा आइटम में क्वेश्चंस आ सकता है. सो वो क्वेश्चंस का उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का एंड उसका पूरा डिटेल सब रेडी करके, फाइल रेडी करके रखने का कि क्वेश्चन पूछ सकता है. आई एम सर टेलिंग जो पढ़ता है वही यंग प्रोफेशनल है. अगर मैं पढ़ रहा हूं मुझे कि केस लॉज मालूम है अप टू सुप्रीम कोर्ट तो आई एम नॉट 70 ईयर ओल्ड. I am a young chartered accountant who can write good English and I can just give all the answers properly so that the assessment may jeet sakta hoon. Young chartered accountants, if you don't read and if you don't know that these are the latest case laws which are available against the assessing officer who is giving the draft assessment order, या आप जब submission करेंगे उसमें ही आपको दे देना पड़ेगा, तो you are not young, you become old. You will lose your client. अच्छी तरफ से reply देने के time, please take care. And there are procedures in which draft assessment order को आप अगर object करते हैं तो it can go to either आप DRP के पास भेजो, बोलने से DRP के पास जाएगा, उधर time 9 महीना रहेगा. But DRP में अगर you are thinking that you may not get the justice because they are department people, then आपको appeal में जाना है. तो at that time you have to see that all care is taken for the appeal by way of preparing properly your submissions and the booklet which is to be submitted, wo sab sahi dhang se prepare karna padega. And so the faceless assessment is a challenge, and take it from me, most of the things will go away to faceless first. And faceless ke baad there is a hearing,
बड़ा बड़ा क्लाइंट का वो प्रॉब्लम होता है. समटाइम्स सम एसेसिंग ऑफिसर इज आस्किंग, हमारा एक बहुत बड़ा कंपनी 10,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है, उसको बोला प्लीज सबमिट ऑल द वाउचर्स रिलेटेड टू दिस एंड प्लीज सबमिट योर बैंक अकाउंट्स का डिटेल एंड ऑल दिस सबमिट करो. देन बोला कि सन्ड्री क्रेडिटर्स से पूरा उसका पूरा डिटेल्स दो एंड उसका ऑल द डिटेल, हजारों सन्ड्री क्रेडिटर है. उसके बाद उसने फर्दर लिखता है ये सन्ड्री क्रेडिटर का पूरा उसका असेसमेंट हुआ है क्या, वो जरा उससे कंफर्मेशन लेकर आओ. अरे बाबा बिजनेस ही हमारा तुम उड़ा देगा. हाँ, इनफैक्ट वी वर थिंकिंग टू राइट टू ग्रेवन सेल एंड टू यू नो सीबीडीटी. At that time, it so happened the next chitti jo aaya, we just told we are a big government company and being audited by auditors who are appointed by C&AG and the audit is conducted by C&AG again supplementary audit. Our tax audit is done by the auditor who is appointed by the same statutory auditor. Aur ye sab ke baad, this is government of India owned and president of India is the owner. These sort of questions which you have asked, it is beyond. कभी भी हमको ऐसा कोई कभी मांगा नहीं है हिस्ट्री में. तो नेक्स्ट जो चिट्ठी आया वो जो दो आइटम लास्ट में 21 आइटम का उसने क्वेश्चन पूछा था वो 19 आइटम करके भेज दिया. 19 के लिए हम रेडी थे और 19 का हम पूरा जवाब उसको दे दिए थे. ये दोनों नहीं दे सके तो दोनों उसने उड़ाया. यू नो कन्विंसिंग थिंग्स हैव टू बी रिटन एंड उड़ाकर वही पर्टिकुलर असेसमेंट को उसने एक भी पैसा जोड़ा नहीं. बिकॉज वो सोचा ये कंपनी का लोग और ये कंपनी का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है दे नो वेरी वेल व्हाट इट इज एंड एवरी इशू जो था उसके ऊपर हमारे पास ITAT का फेवरेबल डिसीजन था या ऊपर का फेवरेबल डिसीजन था. तो ये सब अगर आप एम्युनिशन रेडी है फिर युद्ध के लिए आप रेडी हो सकते हैं. ये जो फेसलेस असेसमेंट है ये युद्ध होता है और ये युद्ध के लिए हमारा पढ़ने का बहुत इम्पोर्टेंट है और लेटेस्ट केस लॉस लेटेस्ट बुक से पढ़कर पॉइंट्स को ऑलमोस्ट लिख कर रखने का. क्लाइंट्स विल बी डिफरेंट. सो ज्वेलरी क्लाइंट है तो ज्वेलरी का केस डिसीजन पास में रखो. इफ इट इज एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग का उसका केसेस पास में रखो. तो डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट करो. और भविष्य में हम लोग TDS का बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे बिकॉज प्रोसिक्यूशन जनरली वी वर नॉट फेसिंग. प्रोसिक्यूशन अभी उधर से आता है कि हाउ मेनी नोटिसेस यू हैव इश्यूड रिलेटेड टू प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन नोटिस आता है तो बोलेगा कंपाउंडिंग करो नहीं तो तेरा पेनल्टी हम 100% कर देगा. तो कंपाउंडिंग को जाओ तो फिर उधर इट मींस जो दिया है दिया है और थोड़ा सा दो. लो बोल के कुछ नहीं आता है, सब खाली दो गवर्नमेंट को दो. तो देते देते हमारा बुरा दिन आता है, अच्छा दिन नहीं आता है. सो दिस इज व्हाट इज द ये. देन द नेक्स्ट इज यू नो रिलेटेड टू आपका reassessment and 148 notice 147 whole procedure has been changed. 4 साल और 6 साल का था और foreign asset होने 16 साल they used to go. Now they have made 3 साल और 3 years तक का आपका reopening is possible that under the new concept of reopening. And अगर आप 50 लाख से ज्यादा आपका एस्केपमेंट ऑफ इनकम है एंड दैट एस्केपमेंट ऑफ इनकम इज पुट इनटू सम एसेट वेदर लैंड बिल्डिंग और इट इज एनी अदर एसेट्स बोलता है और एसेट्स के अंदर बैंक बैलेंस है. आप सोचो 3 साल का ही रीओपनिंग नहीं है बोल के सोचना दिमाग में 10 साल ही हो गया बिकॉज उसको 10 साल रखा है. पहले 6 साल था और अभी उसको 10 साल हो गया. क्या बोलेगा अरे दिस इज एडिशन मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग एंड एस्केपमेंट ऑफ इनकम कंसीलमेंट ऑफ इनकम कितना 1 करोड़ है. अरे ये तो कंपनी है वो 1 करोड़ किधर है. वो बोलेगा नहीं लैंड बिल्डिंग तुम खरीदा नहीं है ये सब नहीं खरीदा बट बैंक में तो तेरा पैसा है ना मैं देखता हूँ तो बैंक में है इसीलिए मैं 10 साल जाता हूँ. आप सोचा होगा मैं फीस ले लिया लास्ट 10 ईयर्स का मेरा क्लाइंट का असेसमेंट सब अच्छी तरफ से कंप्लीट कर दिया. फिर जब रीओपनिंग हो जाएगा
आप सोचो कि अपना क्लाइंट हमको क्या बोलेगा। ही विल टेल, क्या बोला सर, कंप्लीट कर दिया था बोल के, नाउ यू सी, फिर मेरा सब आ गया है रिलेटेड टू 14-15, अभी आ गया है रीओपनिंग बोल के। अरे 7 साल हो गया? ना नहीं, कोई 7 नहीं, अभी 10 साल हो गया भैया। और ये आप, हम फीस के बारे में बोलेंगे तो ही विल नॉट बी पेइंग एनी फीस, बोलेगा आपके लिए आप सही ढंग से नहीं किया था इसीलिए हमारा रीओपनिंग हो गया। और फिर क्या दो बार फीस हमसे लेंगे? दिस इज व्हाट विल बी द क्वेश्चन। एंड ही विल से, आप मोदी जी को पूछो ऐसा जो लेकर लाया है लॉ। सो द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन डीप ट्रबल एंड वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, वी हैव टू डील विद आवर क्लाइंट्स वेरी वेल। एंड क्लाइंट्स के पास सही ढंग का आदमी लोग रखने के लिए पहले से ही एडवाइस कीजिए। क्वार्टरली अकाउंट्स चेक करने का एक हम स्कोप ही बना देंगे, बोलेंगे तुम कोटेड कंपनी नहीं हो, बट दिस इज रिक्वायर्ड अनकोटेड कंपनी होने से भी, आपने लोन लिया है तो मेरे को क्वार्टरली करने का। सर साल का तो आप 3 लाख लेता है, सब छोटा छोटा फिगर मिलता है ना, कौन सा बड़ा कंपनी है जो कि 50 लाख 1 करोड़ लेगा? और जो लेने वाला है तो बिग फोर या बिग फाइव बोलते हैं, वो तो डॉलर में लेते हैं। और एज फार एज वी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी आर कंसर्न, अपना फर्म जो बनाए हैं तो हम लोग को तो रूपी में मिलेगा, तो रूपी में पैसा लेगा, उधर डॉलर में जाता है, तो अपना टाइम का वैल्यू नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर वी प्रोफेशनल्स एट दिस मोमेंट विच वी आर फेसिंग। सो असेसमेंट, री असेसमेंट का भी हम आपको बोल दिया, फेसलेस प्रोसीडिंग्स बिफोर आईटीएटी, वेरी सून दिस इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड। एंड एलटीसी वी हैव डिस्कस, डिविडेंड इनकम पहले नहीं लाए थे, इसमें लाना पड़ा। क्या हो गया? डिविडेंड इज टैक्सेबल, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज बीन रिमूव्ड। एंड डिविडेंड इज टैक्सेबल बोलने से कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करता है और एजीएम के बाद देता है। तो जब हमको अक्टूबर में मिलेगा तो हम सितंबर 15 को कैसा दे सकता है डिविडेंड के ऊपर एडवांस टैक्स, या जून में कैसा हम सोचेगा डिविडेंड देता है बोल के। तो इसीलिए बोला डिविडेंड जब मिलता है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब भी आपका ड्यू होता है उसको कंसिडर करो एंड सही ढंग से दिखाओ दे आपका रिटर्न में, क्योंकि वो 26 डेज जो देगा उसमें ये ट्रांजेक्शन्स, योर म्यूचुअल फंड्स, योर शेयर्स, योर डिविडेंड्स, योर फिक्स डिपॉजिट्स, ऑल दीज आर वॉच्ड बाय गवर्नमेंट का सुपर कंप्यूटर। एंड आपको अगर भी टैली नहीं होता है वो फिगर के साथ और आप नहीं दिखाया है तो आपको लव लेटर आने वाला है। सो प्लीज सी दैट इट इज शोन प्रॉपरली। दिस गुड डिविडेंड का जो लाया है, गुड भी गुड है तो गवर्नमेंट को गुड बोल के बोलना चाहिए, खाली क्रिटिसाइज करना तो सही नहीं है। सो देन आपका ATEA में वो एक्सटेंशन इनवैलिड है जब आप जनरली यू विल गो फॉर योर 115 BAC, अदरवाइज ये जो 115 BAC नहीं लेते हैं तो ऑल द बेनिफिट्स व्हिच आर अवेलेबल विल बी अवेलेबल टू योर क्लाइंट इफ ही इज इंडिविजुअल। एंड प्लीज रिमेम्बर, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन एंड नॉर्मल, ये कुछ नहीं है वो डिफरेंस। एंड अंडर 115 BAC 2.5 लाख एग्जम्पशन इज फॉर 60 एंड बिलो, 2.5 लाख एग्जम्पशन इज 60 एंड अबोव, एंड 5 लाख एग्जम्पशन जो था वो 2.5 लाख की है। तो वो जो सीनियर सिटीजन है 60+ एंड दिस 80+, इनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा टू दिस गवर्नमेंट फॉर 2024 अगर वो बदलते नहीं है तो, क्योंकि हम लोग का तो सब कुछ गया। आप सोचो जब 6% का इन्फ्लेशन है एंड द इंटरेस्ट रेट इज ऑलरेडी कम डाउन टू 5% आर बिलो, देन डू वी अर्न मनी आर वी पे मनी आउट ऑफ आवर्स, बिकॉज इट इज ए नेगेटिव रिटर्न, इन्फ्लेशन माइनस योर इंटरेस्ट इनकम विच यू रिसीव। ऑल द रिटायर्ड पीपुल दे हैव पुट इन फिक्स डिपॉजिट, दे आर ऑल क्राइंग, दे आर ऑल टॉकिंग, अरे साबत साहब ये क्या कर दिया मोदी जी। हम बोले हम ही वोट दिए हैं सर। सो इसीलिए, और मत सोचिए जब उनका दया होगा वही होगा, नहीं तो आप जगन्नाथ जी को बोलिए प्रभु दया कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए कि हम लोग के
के बारे में सोचेगा और हम गरीब है. एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल इज सो हाई एस्पेशली आफ्टर दिस कोविड. आप गवर्नमेंट का ऑफ हॉस्पिटल में जाएगा छोड़ दो जो होने वाला है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो बोलते हैं पहले 2 लाख रुपया फर्स्ट डिपॉजिट करो, देन हर दिन डिपॉजिट करने के लिए एक स्लिप आता है. एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको बोलते हैं अरे वो बेड नंबर सो एंड सो का इतना कम क्या तुम रेज किया है, पढ़ाओ उधर विजिट मारो उसका रूम में और विजिट किया था हमारा डॉक्टर बोल के जोड़ो. जाते जाते वो मरेगा नहीं बट उसका कैपिटल मर जाएगा, 10 लाख का एक बिल कर देगा, मौत हो जाएगा ना. तो फिर फोन आता है उसको बैक साइड में हमारा जो एक लिफ्ट है उधर से व्हाइट में बंधा हुआ आपका पिताजी का बॉडी मिल जाएगा, उधर से लेकर जाना बट कैशियर के पास सब सेटल करो उसके बाद बॉडी तुमको मिलेगा. सो दिस इज द वे द थिंग्स आर. एंड इफ यू कैन नॉट टेक हेल्थ इंश्योरेंस व्हाट विल हैपन, इफ यू विल नॉट टेक योर लाइफ इंश्योरेंस व्हाट विल हैपन, इफ यू डोंट हैव अ छत ऑफ योर्स घर नहीं है व्हाट विल हैपन. तो ये सब का जो डिडक्शन दिया था द पार्लियामेंट हैज थॉट फॉर सो मेनी इयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, व्हाई डू मेक ए 115 बीएससी एंड रिमूव ऑल दीज थिंग्स. आई रोट दिस स्पेसिफिकली, ए 115 बीएससी इज नॉट ए सक्सेसफुल वन व्हिच यू हैव थॉट, पीपल विल नॉट कम फॉर इट, व्हाई शुड दे लूज ऑल दीज डिडक्शंस बाय ऑप्टिंग फॉर इट, बट नथिंग हैज हैपेंड. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे द थिंग्स आर वेरी वेरी बैड एज फार एज द लॉ इज कंसर्न. द लॉज हैव बीन मेड इन सच ए वे दैट दीज विल बी हेल्पिंग द फॉरेनर्स बिकॉज द फॉरेनर्स हैव बीन गिवन लॉट ऑफ बेनिफिट्स. एंड आईएफएससी किधर है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, वो गुजरात में है और गांधीनगर में है और वहीं सब आओ उधर सब डालो तुम्हारा सब ऑफिसेस एंड फैक्ट्री जो भी तुम्हारा यूनिट सब उधर करो, तुमको बहुत बेनिफिट हम देगा. एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तुम ऐसा लेकर आओ तुम्हारा वेल्थ फंड लेकर आओ एंड ऑल दैट फंड के ऊपर तुम्हारा हम टैक्स एग्जम्पशन देगा, तुमको नहीं मिलेगा. ऑल द इंटरेस्ट हैज बिकम टैक्सेबल, ऑल द डिविडेंड हैज बिकम टैक्सेबल, long term capital gain has become taxable, then everything and your figure still remains at 50,000 exemption. You can imagine what condition mein hum log ko chhod everything become. And remember 1st April ko notification aaya tha interest rates will be brought down to this effective 1st April. And if you want any mistake में आ गया है वो already ready है आने के लिए. And she was during the election. Why this has been you have come out with it? Sir, इसको तो हम ready किए थे ना डालेंगे बोल के, then she would have been stated इसको withdraw करो जल्दी नहीं तो हार जाएंगे. Because it was already talked by Rahul Baba and his sister and madam, इधर हमारा दीदी सबने बोला देखो ये government का intention क्या है, आप लोग का इनकम को रिड्यूस करने का इंटेंशन है. आप सोचते हैं जो विड्रॉ हुआ है वो नहीं होने वाला है, अरे इलेक्शन रिजल्ट आने दो उसके बाद इट मे बी अनाउंस दैट इफेक्टिव 1st June दिस इज, इफ नॉट 1st July को आप देखेंगे 1% पूरा डाउन हो जाएगा योर पीपीएफ योर ये एवरीवेयर इट विल बिकम दैट द इंटरेस्ट रेट कम्स डाउन. वेयर विल वी पुट मनी, विल पुट मनी इन स्टॉक मार्केट our mutual fund. This is what the government wants. So that may be the intention that aap log SIP mein paisa dalo aur aap log jo bhi gold sovereign bond mein aap invest karo. Aisa karke ab paisa aap bank mein fixed deposit karke rakhne se koi aapka fayda nahi hai. So this is what is my overall thinking, because ye budget mein waisa zyada टैक्सेशन फ्रंट में उन्होंने नहीं दिया. और लास्ट टाइम प्लस दिस टाइम के अंदर हमने जितना जो 115 BAA BAB BSC वो सब लास्ट टाइम का था एंड दिस प्रोविडेंट फंड एंड EPF इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड द
the taxes which are just being tried to put on the middle class by way of provident fund 2 lakh 50 hazar se zyada hai to last time ka 7 lakh 50 hazar se zyada hai to par kuch ho jayega. All these are very very tough for the people, and there is no thinking that how the people can have money in their hand for the purpose of expending. आप अगर सोचेंगे घर बनाएंगे, अरे स्टील 40,000 में मिलता था लास्ट ईयर और अभी 80,000 हो गया है, सीमेंट का भाव क्या हो गया है, आप एवरीथिंग हैज गॉन अप सो मच दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक. और कार क्या खरीदेंगे 100 रुपया पर लीटर में, स्कूटर खरीदेगा बोलेगा तो BS6 वाला उसमें 10,000, 20,000, 30,000 सब बढ़ा दिया, पेंट बढ़ गया और आपका स्टील बढ़ गया, आपका एल्यूमिनियम बढ़ गया, आपका सब एवरी मटेरियल हैज गॉन अप ओनली नॉट डाउन. एंड ये जो पेट्रोल वाला है, अरे दारू में डालो चलो दारू जो पीता है वो पैसा देगा, सिगरेट में डालो जो सिगरेट फूंकता है वो तबीयत के लिए भी खराब है, दोनों आइटम वो सिन आर्टिकल बोलने का सिन. अरे टू हैव ए कार एज अल्टो आर सम सिलेरियो इज इट ए फॉल्ट है, 28% का टैक्स देगा. So there is no thinking. So automobile industry was in totally doldrum. And 2-3 months, 4 months के लिए थोड़ा सा उठ रहा था, अभी वो totally फिर crash होने वाला है. Economy is going to be affected. Last year it is -7.5% growth for 2021. And 2021-22 it was thought that it will be 11.5. But खुद Prime Minister बोले कि सुनामी आ गया. सुनामी, ये जो प्रेजेंट फेज टू को ही हिमसेल्फ हैज टोल्ड द नेशन दैट दिस वाज नेवर थॉट ऑफ, ये सुनामी आ गया है. तो सुनामी आया है, सुनामी विल हैव इट्स ओन इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ऑन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी एंड ऑफ द कंट्री. 219 कंट्री में ये कोविड आया है. नाउ वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री that we are the number one vis-a-vis daily cases reporting and death reporting. हम लोग के लिए मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग वाला सेक्शन है जिधर से ज्यादा टैक्स पड़ेगा एंड ऑडिटर का गला भी पकड़ लेगा. पर उनका जो मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग है अबाउट द डेथ एंड अबाउट द कोविड, अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ नो बेड्स, नो ऑक्सीजन, इसके लिए क्या है सर? कुछ नहीं है. वो द पीपल आर सपोज टू सफर अनलेस ही, वो हम ऊपर हाथ दिखाता है बिकॉज मेरे सामने लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का फोटो है तो उनको दिखाता हूँ. अनलेस दे विल सेव अस एंड गिव समथिंग बाउंटी थ्रू प्रॉपर थिंकिंग बाय द गवर्नमेंट, द मिडिल क्लास इज इन रियल डोलड्रम. धनी तो बहुत बड़ी धनी हुए है, हमको बात नहीं करने का, आप लोग को मालूम है न्यूज़पेपर में आता है कैसा उनका वेल्थ बढ़ गया है और कैसा गरीब का वेल्थ घट गया है. सो ओवरऑल माय थिंकिंग इज सर, मे बी गुड फॉर फॉरेनर्स, मे बी गुड फॉर द बिग रिच हुम इट हार्डली अफेक्ट्स ये सब जो प्रोविजन, बट इट इज बैड फॉर द मिडिल क्लास हु आर ए बिग चंक ऑफ पीपल. And for the retired people and for the senior citizens and super senior citizens, it is a very, very tough time. Unless Modi ji really thinks and in between the year comes up with some stimulus for these people, for us. Otherwise, wo COVID mein nahi mar sakte hain, but heart fail ho sakta hai. Aur dimag depression mein ja sakta hai. Mental illness aa sakta hai by seeing all these things. And by being affected through their real income. So I pray to God for the welfare of all of our, especially the middle class, senior citizens and the poor, and hope the government will think and come in between with an additional budget to give reliefs to people so that the money will be available in their hands. Thank you very much for giving me the opportunity to speak. Thank you so much, sir. You are not only a speaker, you are also a very good motivator and having a lot of insight on the political front also. Thank you so much for getting your experience lecture to the audience. Now I request Bikas Bathwalji
to please introduce our second speaker, Tarun Agrawal ji, for the next session. Yeah. Hello. Am I audible? Yes, sir. Aa rahi hai. Okay. Thank you, Vishnu Bhaiya. Mr. Tarun Agrawal is a fellow member of ICAI, graduated from Ravena Sir College in 1998. He is a practicing chartered accountant in MS TK Agrawal and Company, Bhubaneswar. He is a present acting as chairman taxation committee, Utkal Chamber of Commerce Industry, Odisha. Also a member of state level grievance redressal committee, GST. He was formerly member to regional advisory committee, central excise, custom service tax, and state level VAT implementation committee. Mr. Tarun has deliberated more than 250 events on subject of tax and allied matters of Odisha and different places in India. He has deliberated as a trainer, visiting faculty on GST and indirect tax at National Academy of Custom, Indirect Taxes and Necrotics, State GST Officers, Government of Odisha, Madhusudan Academy of Finance, ICAI, ITSI, and various state bodies, corporates, and deliberated various governments and non-government companies. He has deliberated impact and implementation of GST at NBCC Delhi, MMTC Delhi, Odisha Construction Corporation Limited, NALCO, NSI, FIO, ABI, and other government authorities. He is also a co-author of a book on Odisha VAT, Functional Approach to Odisha VAT and Allied Law. He is also a co-author of FAQ on GST applicable to NGO and NPO sector published by ICAI. He is also author of Technical Guide to Odisha VAT. He is a regular subscriber to weekly publication of newsletter on updates and case decision on GST and allied law. He has contributed to publication, many contributions to ICAI, and article. His many articles have been published in national journals like Service Tax Review, STR. He is a consultant come advisor on GST to governments and other authorities. We welcome Mr. Tarun Agrawal to our VIP forum and request him to start his deliberation. Thank you. Thank you, Mr. Bothwell. Thank you, the whole fraternity of VIP Study Circle, Calcutta. Special thanks to President Mr. Tulsiyan ji, and my guru, Sabat ji, is with me. I'm grateful for this opportunity to be present here and share some thought of mine on this budget 2021, specifically to GST law. And before entering into this, I must start from the one topic which Sabat sir have already told regarding employee contribution and disallowance. The whole jurisprudence have been denied by making the provision into the law. In fact, this GST law, this GST amendment, which have been brought into this finance bill, now it has become act on 28th March, is basically to curb all the case decisions which are coming to bring out a settlement into the jurisprudence. It becomes unsettled. So these are the basic 7 or 8 major amendments and the complications involved in that. I'm going to deliver it one by one. Before that, I'm sharing this PPT. Is the PPT is visible? Yes, it is visible, Tarunji. Is it now correctly visible? Yeah. Okay. Yes. Shall I proceed? Yes, proceed. Thank you. Many senior members are there, and respect to all. And I'm just presenting the chronologically the budgets bring this law. In fact, this GST law doesn't require any specifications into finance bill because this is a totally a procedure of GST council. But from last 2-3 years, we are getting that GST amendment acts are passing through, coming through budget. And that is why we are discussing it. But unfortunately, all these sections which normally brought to through this finance bill, having still there is 3-4 more steps, which I must represent here, that once the law even passed by central, I will CGST, Central GST Act, the all state GST needs to also need to be amended, which takes delay. Then
interestingly, all this finance bill which brings this acts as a CGST section, these are the amendments. They are some sections they put that these are amending from a particular date, or sometimes they are depending upon the date to be notified. Interestingly, the GST law, as far as act is concerned, I'm not coming to the rules. The act is coming in phases. The first thing it comes when it start with the amending the act of central GST. Then we're waiting for the states to pass all the acts. When the states passed all the acts, then it become act, but we're still waiting for the date to be notified. Now this date to be notified are coming in phases. This is very, very alarming that today we are discussing a budget law and tomorrow we'll find that this is not yet notified. So each section is coming into changes second time or third time. Even from 2017, this act came. Today we are going to discuss about section 50, which is an interest section, interest on delay deposit of taxes, which is we always discussing about gross tax liability or net tax liability. Now this act itself is amended in 2020 budget and 2021 budget. And 2020 budget notified later on, and 21 now it is coming into retrospective effect, because in 2020, when this act passed, it is date are not mentioned as a retrospective effect. So what happens, the 2020 act gives rise to a prospective effect, but there is a dispute between 2020-2017. This period is lapsed. Now what will happen to that period, whether gross liability will be paid or net liability paid? What I mean to here to say that, to track the law, where exactly this law is, when it is going to implement, to what time it will be effective, retrospective, prospective. These are the draconian things, and the law is also draconian. So with this, I'm starting this changes one by one. The first thing, which is the most discussed nowadays, which is denying the benefit of Supreme Court order on West Bengal club. Section 7, we know it's a supply. So section 7 supply, if you're bringing to service tax provisions, at that time, the mutuality concept have been well defined in section 65B, subsection 44 of the service tax law, on which Supreme Court have clearly explained that there cannot be a supply, there cannot be a service transaction or goods transaction between the members and the association or clubs, because on the concept of or doctrine of mutuality. Now, see the provisions they have brought in and with the explanation. This explanation itself shows that we are moving into a time when the bureaucracy is taking care of the whole jurisprudence of being interpreted in number of years. The disputes are number of years it takes to Supreme Court. And finally, when the things are settled, it is coming like this. Now, this subsection 1, clause AA, they have inserted in section 7, which is a supply, which is a very basic of GST. And the law says the activities or transactions, it is not only the activities, it is also the transactions. Think about if a membership and a members, suppose there is a expenses of a common expenses of say being decided by the association, and the association is doing that expenses as a whole and getting it reimbursed through their members. It is only a matter of reimbursement, but it is not an activity, but it is a transaction. Because suppose as a chartered accountant fraternity or a small association, we are putting each person as 1,000 rupees and putting a 1 lakh corpus, and we are doing some expenses for common good. What will happen? This 1 lakh, even if coming directly from the members through the association, but it's a transaction, it may not be activity. Activity when there is a service activity or a goods activity transfer there is between member and the association. But they put another word, activities or transaction. By a person other than an individual to its members or constituent. It means the member can be a company, member can be a member. I mean individual member or a company. And the association, they are separate whether the association is constituted under any law or not. In both the cases, they will be recognized as a two different person, and there will be a tax liability, there will be supply between the both. And they have also mentioned it's a vice versa. They have thought of whole this provision is that there cannot be any escape route between a transaction between a member to the association and the member. Not only that, the explanation is so nicely drafted.
I was reading out now, for the purpose of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, the person and its member or constituent shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activities or transactions inter se shall be deemed to take place from one such person to another. Specifically, they are specifically mentioning, even I must say the background of this, when this law comes to GST Council for amending the law, this explanation was not there. Even the agenda, this explanation was not there. It is simply this provision is coming that any person and the association are two separate person, whether it is constituted or not constituted. In service tax time, it was read that if it is a non-constituted body, then only they will be separate. But if it's a constituted BD, there cannot be taken as a service between the member and the association. Now they have brought specifically with this explanation. So this is how we are phasing through the law-making process, where we doesn't have any certainty. And this law, not only coming like this, this also come with a retrospective effect from 1st July 2017, meaning thereby on 28th March 2021, when the law passed and it become a finance act. So this automatically Central GST Act is effective from 1st July 2017. So what will happen with the normal natural belief on the order of the Supreme Court, many associations have not paid taxes till date. From 1st July 2017, depending upon the Supreme Court case, what will happen to their tax liability? This is the word now open forum for these cases either to be litigated or maybe challenged. Coming to second, section 16, subsection 2. This is always an input tax credit, and this is always the preamble of the law always say us that the tax on tax should not be there, a cascading effect should be taken care of. But section 16 is clearly saying when the tax is available, ITC is available or not available. Section 16, subsection 2 specifically put all the four conditions which always we are used to with. One is the invoice. Second is the goods or supply must be received. And third is the taxes must be paid. And fourth is return must be filed. So these are the four conditions from 2017 we are used to it. In the meantime, we face a particular rule, rule 36 of rule 4, and our GSTR 2A and 2B have come into picture. And we have started with 20% cap, then 10% cap, then 5% cap. And there are some high courts have come out with that this kind of capping cannot be done because it is not a condition. Rule cannot proceed to the law. Now they have brought into the provision by putting another specific clause, AA. This date have not yet notified. Once this act is passed by all the states, it will be notified. Now they are requiring, sir, that the invoice must reflect on my screen. If my 2A is reflecting the invoice, if my supplier have filed the return, and that thing is reflected in my own GSTR 2A, then only this amount is available as a credit. Otherwise not. At a one time, I am also have to verify these invoices are physically with me. These invoices are also reflected in my system. These invoices have already been paid by the person, and the person also filed the return. I mean to say myself should file the return, and goods and services must be received by me. Now this is the fifth condition. We earlier used to with the fourth conditions, but now it's the fifth condition. So this is what the first part I am writing that, putting this first part of the slide. I have put it deliberately subsection 4 also, which is not part of this budget, but it is budget of last year, where the provision have come regarding debit note. Interestingly, I must discuss on this particular point that normally we issue debit note sometimes after a year, or sometimes maybe some disputes is going on and debit notes for particular year received after 2 years. What will happen? For example, a transaction that happened between financial year 18-19. Mr. A and Mr. B. A is a supplier, B is recipient. Now, after 18-19, Mr. A decided or there is a dispute and Mr. A today want to issue a debit note with respect to some additional amount going to be charged for the tax amount
or maybe some lower tax have been charged and higher tax now you have to charge. So you want to charge the debit note with respect to the invoice pertaining to financial year 18-19, and the debit note is dated today, April 2021. Now the question is, when he is filing his debit note by Mr. A, the supplier, the return can be filed, tax can be paid. The question is, can Mr. B take the credit of it? Because subsection 4 of section 16 was saying of the time limit. And that time limit was stopping that once after the end of the financial year, whether it is debit note pertains to that year or the invoice pertains to that year, must be claimed within 6 months, I mean to September return. I mean to say for 18-19 financial year, 19th September is the last time to take the credit. That was the earlier subsection 4. That was amended last year and that have been notified. See, the amendment had made in February 1, 2020. And the notification for to implement that law is coming on 1st January 2021. After 11 months, the budget benefit have came to picture. So even if that time budget, we have discussed that these things had settled down, but the provision is effective from 1st January 2021. Interesting, we are passing a law, making an act in the budget, but it is implementation date is 11 months late. Not only there. Now, even if this law has been passed, advance ruling authority in a particular state have denied this benefit. They are still insisting the old law. Then advance ruling itself is not adhering to the law of the land. This is the time we are moving. So the person who have applied for advance ruling on the basis of this law, that whether my debit notes credits I can avail, even if this credit note or this debit note have been received after 6 months of the financial year, because the law is helping me, but that advance ruling of Gujarat is not allowing it. That is why I'm putting the 16.2, that debit note is free to charge anytime debit note can be raised and benefits can be taken, because this law have been passed from 1st January 2021. That is why, as on position, we have to understand which law have grown up and now onto the table, and which are still on the Almira, because the law is coming phase by phase. And finally, it comes notification notified. Then only we can say, yes, this section, this particular provision is now notified. Yes, now we can say it is implemented. Now the next question is whether it is retrospective or prospective, from which date it will apply. That again, we have to see. Now, after section 16, there is a one amendment of this. Many more. And this is very interesting for our own professional friends, that GST audit have been abolished. And regarding this, there are many pros and cons to our professional members, cost accountants, because of the audit itself is gone. But I must emphasize here, the section 44, which is annual return, here an amendment is there where it requires that the whole company's management or the signing authority of the company will self-certify reconciliation statement. Here, I feel that still the professional opportunity are still there, and self-certifications of reconciliation statement will be made by the party which was earlier not there. In fact, it was through the chartered accountant or cost accountant who were doing the audit. And now it is by the whole management will do. If the law is moving that way, we are still going to the same assignment, what I personally feel, but at the same time, the responsibility which is casted on our shoulder by our client, because there are many issues of GST interpretation of law. There are many issues of input tax credit availability, which is always, there is a mixed law. And now how to get a certificate, how to get an audit of correctness of the return? Suppose there is a fake invoice. Now in this fake invoice, I'm coming to section 122 later on, where this fake invoice itself is bringing a two condition, which says that if any person who retains the benefit or whose instance this transaction is conducted, for example, I am a tax auditor, GST auditor of a company, and also I advise many times on GST matters to them. And in course of action, if it is found out that there are some fake invoice involved, then can I say there cannot be any reasonable doubt on me that I am also a person whose instance these fake transactions were going on? And if it is so, then I also personally, my own property and my own liability come into picture.
So even this GST audit is going to be draconian, because I'm coming to section 83 later on as the attachment of account, or section 122, which is amended last year. So keeping into mind, even GST audit itself is dangerous, but GST advisory regarding certifications work by the own company management may be a good alternative argument for our members. But definitely it is a loss to revenue to our professionals if this law still hold, because this law have not changed, it's still continuing. And till I think 2019-20 we have to go, 2021, I think this law will maybe prevail. Now section 50, this is the welcoming provision. These have settled down the dispute regarding gross liability and net liability. Interestingly, I also noted that Finance Act 2020 also bring this provision, and there is a payable award today, and then that was a levied award is there. Actually, this should be payable now. This time they have corrected. The whole provision they have replaced, in means in 2020 they are putting a particular provision, and in 2021 they are replacing the same provision. In 2020, this provision is coming in the finance bill without giving a effective date, which is under dispute. That if it is effective date is not mentioned, it means the budget passing date will be the effective date. Now, how it can be affecting the case from 1st July 2017? So that is why this time they have made one amendment that this provision again replaced, and it is effective from 1st July 2017. I forget to write 1720, I have written. So now on this amended act at present, on CGST Act, which is not yet done by the other states, but CGST have passed the law, state they are going to following this law, that gross liability is not taxable, only net liability is taxable. This is a welcoming thing on this budget, that this dispute of long dispute of gross liability, net liability, will start from the Patna High Court case, is now being settled down by this amendment. Now, amendment of section 75. So section 75 is a basically a procedural or enabling section, and section 73 and 74, both are basically the recovery sections. So section 73, 74 are mirror effect, but 73 is when there is a no suppression, no intention to evade taxes, and 74 is when there is a fraud or intent to evade taxes. This is the only difference between 73, 74. But how this section will operate is routing through section 75. Section 75 is applicable to 73 and 74. And section 75, subsection 12. Ninyal, thoda sa volume kam karo na. Notwithstanding anything contained in section 73 or section 74, where an amount of self-assessed tax in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid. इट मीन सर हमने एक रिटर्न फाइल करी और हमने उस रिटर्न में कोई टैक्स लायबिलिटी फाइल किया और वो टैक्स लायबिलिटी ऑन दैट बेसिस वी हैव नॉट पेड दैट टैक्स लायबिलिटी बिकम इंस्टेंटली ड्यू ऑन अस बिकॉज दैट इज सेल्फ असेस टैक्स इफ यू आर फाइलिंग रिटर्न वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट We are not paying the interest. Interest is automatically calculated, and there will no requirement of any so-called notice. A immediately recovery proceeding will be starting. Subsection 12 is immediately get in action, and if it is not paid within 30 days, it will automatically attachment or recovery proceeding will be started. Because each time so-called notice will not be given, because if a person is self-assess himself with the taxes, so this is the subsection 12 which gives us a direct power to recovery. Interestingly, now self-assess tax. This word is there. And section 39 is there. Now section 39 is pertains to return GSTR 3, which is earlier first time come, which is the actual return, because GSTR 1 earlier when the GST law starts, GSTR 1 and GSTR 2 are the output and input, then GSTR 3 is the final return. That what that replaced to the GSTR 3B, and GSTR 3B also being challenged that this is not a return, then law have been amended. Yes, GSTR 3B also return. Okay, fine. The 39 is now 3B return, but GSTR 1, for example, a person have filed his GSTR 1 by mistake. His whole invoice is say 1 crore liability is there,
by mistakenly repetition had happened and he have entered 2 crores liability in GSTR 1, and his 3B he have correctly filed at 1 crore and he is waiting for next month, that next month GSTR 1 he will either delete these transactions or alter this transaction because it is a repetition of work. Now this subsection 12 is not only covering GSTR 3B, it also started now covering GSTR 1, meaning thereby now if a liability have been disclosed in GSTR 1, it will automatically triggered as a self assessed tax, and it automatically triggered as a assessee default in 30 days, and it will automatically assess to any proceeding initiation and attachment. I am coming to attachment, how it is coming, how they have changed the law of section 83. So return filing, the very difficulty here is one side, when the person who is taking input tax credit, the law says that when you are taking 1-2 input tax credit, you must, the credit must be shown in your GSTR 2A. That is what new clause double A have entered into section 16, we just discussed. Section 16 ke humne ye discussion kara ki jo char conditions mein se jo panchwa conditions mein involve hua hai usme ye hua hai ki invoices aapke GSTR 2A ya 2B mein reflect hona chahiye, tab jaake aapko credits milenge. Aur usi ke respective inhone yahan pe law kar diya, agar kisi ne apne GSTR 1 mein dikhaya to usko wahi maan liya jayega ki wahi uska tax hai, chahe wo 3B mein wo kam dikhaye ya zyada dikhaye, but hum maan lenge ki GSTR 1 mein aapne dikhaya matlab aapki tax liability hai aur aapko dena hai. Ek tarah se logical hai, because ek tarah se wo benefit through GSTR 2A mein aapko benefit de rahe hain on the basis of GSTR 2A, but at the same time they are giving GSTR 1 liability on the supplier. But interestingly, jo 4-5 conditions abhi 16 mein rakhe hue hain, agar suppose ek person ne अपना GSTR 1 फाइल किया और टैक्सेस नहीं दिया, उसकी लायबिलिटी आगे ठीक है, लेकिन उसने 3B नहीं फाइल किया, तो क्या मुझे क्रेडिट्स मिलेगी? तो होल थिंग इज दैट द रेवेन्यू इज नॉट एट अ लॉस, बट द कॉम्प्लायंसेस एंड द डिपेंडेंसी ऑन द बिजनेस फ्रॉम माय सप्लायर टू माय वेंडर एंड माय ओन कस्टमर आर सो अनफोल्ड दैट हाउ आई विल पे. सपोज आई हैव टेकन अ इनवॉइस ऑफ 1 करोड़ एंड 18 लाख टैक्स इज देयर, साला आई गोइंग टू वेट to see my record when this 18 lakhs is come into my picture, then only I will release that payment. If I am releasing today the payment, then I will be in trouble because this 18 lakhs is still not clear to my ITC. And can I confirm that his return have been filed? Then his return he will file after some days. So it means I have to make my payment arrangement in the company in such a way that I will pay my whole amount towards the gross value in a particular day. Then I will check my GSTR 2A, then I will check my GSTR 3B, then I will make some amendment, some indemnity bond or something, then I will release the balance payment to the my supplier or my vendor, because this is how we have to run the show. All else whole the ITC input tax credits will not be available and it will become a commercial dispute going on. And even if making these transactions beforehand to pay in a tax amount later on, then first gross amount, then to check this thing, you know how this whole process needs to be checked. Okay, there is a one better thing is that e-invoicing have started, so that is a point where many matching concept is taken care of, but at least 3B return filing and tax payments need to be very much checked. Now coming to section 74, section 74, I'm unfortunately in this budget whatever being settled when the law making 74 have started, they have come forward a very unique way that there may be many people involved in a transaction, but if the principal person have been done away with show cause notice and demand have been made, the other person involved in that particular transaction will also not required and will go to settle down. The blue line, the black color I have written into this PPT, that was the earlier provision where the notice under the same proceeding issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceeding against the main person have been concluded under section 73-74, the proceeding against all the persons liable to pay penalty under section 122-125 are deemed to be concluded. My here submission is, suppose there is a dispute with a company. Now the company, the directors
if any transportation is going on, the transporter, all peoples have been brought into, as allied allegations are made in all the peoples, and this is the party to the company, party to the case. And if the main company, the liability have been closed, then earlier law says that the, all the other peoples will be settled through. There is no requirement of further proceeding to them because the main taxes have been collected or so-called notice have been made. Now it is to be paid or not, it will be litigation. But case is closed, inquiry is closed, there is no requirement of. But they have specifically deleted two sections, penalty section 129 and 130. This is related to movement of goods. In movement of goods, if the transporter is involved or any other person is involved, now their cases cannot be closed even if the principal company's case is closed. This is another set of dispute because section 129 and 130 was earlier also covered. But now they are only concerning section 122 and 125. Earlier, mera kehne ka matlab pehle char sections ke liye closing ke liye tha. Chahe 122 mein ho, 125 mein ho, 129 mein ho, 130 mein ho. Ye charo section mein aap nikal jate the ki nahi karna hai. लेकिन अब क्या है कि सिर्फ 122 और 125 में आप निकलेंगे, लेकिन 129 और 130 जो मूवमेंट ऑफ गुड्स के जो पेनल्टीज हैं वो केसेस आपके अलीव रहेंगे. अगर डायरेक्टर के नाम से 129 केस है या ट्रांसपोर्टर के नाम से 129 130 है या किसी थर्ड पार्टी के नाम से है, उसका केस रहेगा 74 में. ही कैन नॉट बी एस्कॉर्टेड बाय बिकॉज मेन कंपनी का केस खत्म हो गया तो मुझे भाई रिलीज करो, नहीं होगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नोटिफाइड. दिस इज बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोविजन, इट हैव नॉट बीन येट पास टू अदर स्टेट्स. This is to be notified. Now the most dangerous provision, section 83. What this section 83 says, sir? The first part is the old law and the second part is the new law. The old law says where during the pendency of any proceeding, and the new law says where after the initiation of any proceeding. Learned members, many senior members are there, mujhe batane ki zarurat nahi hai ki pendency of any proceeding and initiation of any proceeding. Ek proceeding initiation karna bahut aasan hota hai. Kya main kahun ki ek summon issue hua to proceeding shuru hua? The answer is yes. Koi inquiry shuru hua to proceeding shuru hua? Main kahunga yes. And I am coming to another section 151, dangerous provisions. That 151 says that anybody can ask for any information from you. Now that information will be behind, there is a proceeding. Now any proceeding agar start hota hai to kya hoga, section 83 applicable ho sakta hai. Pehle tha during the pendency of any proceeding. To attachment ka power jo hai, summon aate hi अटैचमेंट की पावर डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिसेंटली कम आउट विद रीजनेबल नेस ऑफ सेक्शन 83 एप्लीकेशंस एंड अटैचमेंट, इट मस्ट बी प्रिजुडिशियल इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, मेनी थिंग्स हैव कम रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, आई एम नॉट कमिंग टू दैट. बट द लॉ मेकर व्हाट दे मेड दिस प्रोविजन, द फर्स्ट डिफरेंस आई एम कमेंटिंग हियर दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग नाउ रिप्लेस्ड विद आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग. नाउ पहले सेक्शन 83 किन सेक्शनों में लगता था? अंडर सेक्शन 62, 63, 64, 67. These are assessment के sections हैं. और 73, 74 जो recovery के sections हैं. इन sections में अगर आपकी कोई proceeding pending है, तो 73, 74 की proceeding कौन सी होती है? जिसमें आपको या तो कोई so-called की notice हो गई है, या कोई आपकी inquiry चल रही है. तो 73, 74 में आपको जो form जाती है, whatever 73, 74 initiation will come with a form. That form is either 01A form or 01 which is so-called notice. So 01A also they have been dispensed with, or that is not mandatory last time they have made. Anyway, but 01A notice जब तक issue नहीं हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि 73, 74 का proceeding start हो गया. Assessment 62, 63, 64, 67 these are assessment, but these are not coming into scrutiny assessment. That is the scrutiny of written a section is there. I am coming out to the provision of assessment provisions, which is coming with the section 59, 60, 61, 62, 63, 64. So total assessment mein hamare 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections hain. 6 sections mein se pehle 4 sections ke liye section 83 applicable tha. Jo 2 mein applicable nahi tha, wo tha section 59 aur section 60. Section 60 tha provisional assessment aur 59 tha self assessment. Main kehna kya chah raha hu sir, agar kahin self assessment return mein
मैंने GSTR 1 में कोई फिगर डाल दिया गलती से, या 3B मैंने कोई रिटर्न गलती फिगर डाल दिया, कभी कभी हमारी रिटर्न जब फाइल होती है उसमें फिगर्स गलत चले जाते हैं और हमने कोई फिगर गलत डाल दिए, अमेंडमेंट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एक महीने के बाद हम अमेंड करेंगे, और 3B को तो अमेंड हम कर भी नहीं सकते अगर हायर साइड में हमने कर दिया. नाउ दिस बिकम, ये पर्टिकुलर चैप्टर XII चैप्टर 12 में असेसमेंट के अंदर ये सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट की आती है. अब वो पहले 83 में एप्लीकेबल नहीं होता था. अगर नीचे में आप देखेंगे वेयर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑर्डर, एक मिनट कोई, यस, तो अब हो गया आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑर्डर चैप्टर XII. अब मैं कहना चाह रहा हूं असेसमेंट में इवन सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट के भी केसेस होंगे और उसमें कोई प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट हुई होगी उसमें अगर अटैचमेंट की जरूरत पड़ी तो स्ट्रेट उसमें अटैचमेंट हो सकता है. नॉट ओनली दैट सर, बात यहां खत्म नहीं होती. नाउ कमिंग टू अनदर चैप्टर, बिकॉज पहले इन्होंने सिर्फ 6 सेक्शंस के लिए मेंशन किया हुआ था, वो भी पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, और अब उन्होंने कर दिया आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, और सेक्शन नहीं करा, 3 चैप्टर को कवर कर दिया. जैसे चैप्टर 12 व्हिच इज असेसमेंट, उसके सारे सेक्शंस आ गए. चैप्टर 14 which is coming into inspection, summon, arrest, everything is provision in that. 67 से start होता है. इसका मतलब अगर कोई summon आती है मेरे को, तो भी, मेरे को inquiry आती है, तो भी, मेरे लिए एक initiation of proceeding शुरू हो चुकी है. और if there is any amount which need to be recovered, and the manner of section 83 being implemented now, or activate the department are now putting attachment of section 83 without thinking of this is happening it like this, that the assessment order have been made. 3-month time for the appeal is given. But after 30 days, I have still 60 days. Even this corona period, accounts have been attached. Not only private sector, even government sector, even PSU sectors, accounts have been attached for recovery of the amount. So the point here is, if this is the process of Section 83, already implementation is going on. If you are bringing this provision of any inquiry or any proceeding, they are eligible to go for attachment, then what will happen? Now, not only that, now coming to the new provision, I am again reading the new provision where, second para, where the initiation of any proceeding under chapter 12, chapter 14, and chapter 15. Chapter 15 is related to tax collected, not paid, and initiation of recovery proceeding. This recovery proceeding concern, basically any taxes being collected, if any information have been found out that in the name of taxes somebody have collected, instantly section 83 can be applicable. It is not required to be pending under any other provision. It is only initiation of proceeding. Suppose find out that there is some invoices have been made and taxes have been collected but return have not been filed. If that is the information, any initiation of proceeding will start and immediately account can be attached. So the whole assessment process is coming to the back foot and the recovery proceeding is coming to the front foot. Now, not only here, where after the initiation of the proceeding under chapter, this three chapter, the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government. Now, invariably, protection of interest of the government, which now Supreme Court also spoke of, that when there is a IBC, when there is a sufficient reason that the interest of the government will going to be compromised or the money may not be recovered, these are the cases, specific cases where the opinion can be formed and then only attachment can be processed. But unfortunately, the kind of attachment nowadays are happening, they're absolutely without any reason, even the person having a sufficient time to file an appeal for 3 months, but after ending of the 1 month, immediately the recovery proceeding being started and amount have been collected by accounting attachments. Now, this particular provision of Section 83 earlier were applicable to who? To taxable person. Who is a taxable person? Who is liable to pay tax under the law? But now this is not confined to only taxable person. It is also confined to any other person specified in subsection 1A of section 122. What it means? Section 122 is a penal provision. And section 122 subsection 1A have been inserted in last budget in 2020 regarding these fake invoices. And they have brought out 4 category of cases where section 122-1A is applicable. To which person? Agar koi aadmi who taken any benefit out of it or jiske direction se ya instance se is tarah ki transactions hui hain,
वो आदमी को माना जाएगा कि पर्सन स्पेसिफाइड, और वो कौन से काम हुए होंगे, चार चीजें, इनवॉइसेस विदाउट मटेरियल और मटेरियल विदाउट इनवॉइस, ये ट्रांजेक्शन किसी ने सप्लाई करी, किसी ने विदाउट मटेरियल क्रेडिट्स लिया, या फिर इलिजिबली उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये चार तरीके एक्टिविटी अगर हुई है किसी कंपनी में, और उन कंपनी को ये काम करने में, चाहे वो ऑफिसर हो या कंसल्टेंट हो या कोई भी, अगर ये फाउंड आउट हुई रिटायर्ड दैट बेनिफिट आउट ऑफ इट, और एंड ऑल्सो ही इज अ पार्टी टू हुज इंस्ट्रक्टेड दिस ट्रांजेक्शन, ही ऑल्सो कमिंग इन टू पिक्चर ऑफ दिस अकाउंट अटैचमेंट। सो दिस इज ए मे बी ए इमेजिनेशन, हाइट ऑफ इमेजिनेशन, स्टेज ऑफ इमेजिनेशन, दैट दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी दैट consultant, chartered accountant consultant or tax advisors may come into picture in the taxable person, because the kind of approach tax authorities are nowadays are taking. So every time we become chartered accountants are highlighted in all fake transactions. So what will happen to this particular provision? And now the section 83 have come out. Earlier we are only getting a name of our professionals, but tomorrow maybe we are going to get our own account attachment. Unfortunate time, and this is so draconian law, and this attachment will stay for a 1 year. Interestingly, sir, if any proceeding is pending, then this proceeding have a time limit. Now, by initiation of any proceeding, now how we will say initiation of proceeding is going to complete? So 1 year, 1 year from the account attachment, now initiation of proceeding will always continue. One initiation of proceeding can reach to another initiation of proceeding. Now the whole account attachment is done. Till 1 year, it will be attached, unless and until the tax has been paid or money settled. Now this is a, now here the point is, who will buy the dispute? Even if there is a dispute, people have to pay the taxes and get the account recovered, because business, how business will continue? Section 83 having a no result have come out in the budget. Presentations have, representations have already gone, but section as it is being passed. This is the difficulty of section 83. Now coming to section 107, whole this material movement and this e-waybill disputes or tax levied twice, these are disputes, many high courts have given favorable orders. So this time they have designed this law in such a way that first of that 129-130 they have removed from section 74. I mean to say, अगर मेन प्रोविजन में लॉ चल रहा है उसमें अगर सेटल भी हो गया, लेकिन सेक्शन 129-130 रिलेटेड टू मटेरियल मूवमेंट, दीज पेनल प्रोविजंस और दीज पर्संस आर स्टिल अंडर प्रोसेस, दे कैन नॉट बी इक्वेटेड बाय मेन केस हैव बीन क्लोज, दे कैन नॉट बी क्लोज, दैट विल स्प्रेड, पोस्टिंग विल कंटिन्यू। सिमिलरली उन्होंने सेक्शन 107 जो अपील का सेक्शन है, इन दिस अपील सेक्शन दे हैव ब्रॉट अ वेरी न्यू थिंग दैट फाइलिंग ए अपील अंडर सेक्शन 70-129, 25% of the penalty also needs to be paid, not only tax, 25% penalty also you have to pay, then only you can file an appeal. So appeal ke provisions ko bhi discourage kara ja raha hai section 107 mein, immaterial movement ke 129-130 section. All these cases, because there are many case decisions which are not in favor of the department, and they have challenged many cases, how the whole process have been taken care of, the material being moved, material being held on in roads, proper documentation have not been made, and the proper assessment of tax liability have not been made. These are the some findings of the courts, and now they have brought up that even if somebody filed to appeal, he have to pay 25% of the penalty. Now interesting, when the first GST law came, they come with section 74 nicely. Then they say self assessment, now they are saying what is self assessment. They have come with a power to call information. Okay. They have come out with a power to call for information. This was the new section, and the heading earlier was power to collect statistics. Sir, जहाँ पे जो law था statistics collection करने का, उसको अब information में commission change कर दिया गया law को, section 155. पहले 151 क्या था आप देखिए, the commissioner may, if he consider that it is necessary so to do by notification, direct that statistics may be collected relating to any matter dealt with by or in connection with this act. Is act ke liye, koi matter ke liye hum statistics collect kar sakte. Commissioner may, if he consider. Okay, fine. Ab kya uske related kya hua?
कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय, पहली बात तो कमिश्नर से ऑफिसर ऑथराइज्ड हो गए डाउनलाइन में, बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी मैटर। अब बताइए सर इसमें क्या बचा, किसी भी इंसान को किसी भी केस के लिए एनी मैटर डेल्ट विथ इन इन कनेक्शन विथ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के रिलेटेड कोई भी मैटर में कोई भी इंसान से कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह मांगा जा सकता है और उसको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, और वो कमिश्नर नहीं, कमिश्नर ऑथराइज ऑफिसर कोई भी कर सकते हैं। तो क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कवर होते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए? दैट इज नीड्स टू बी क्वेश्चन। इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, अर्लियर इट वॉज ए कलेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बट नाउ इट इज ए इंफॉर्मेशन कलेक्शन। एंड इफ दिस इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज वेदर दिस इंफॉर्मेशन कलेक्शन कैन रीच टू ए स्टेज वेर यू कैन से इट्स ए प्रोसीडिंग हैव इनिशिएटेड, definitely proceeding initiated, because a proceeding initiated with a particular person, and as a chartered accountant consultant or as a accountant or as a employee of the company or anybody knows the facts, I can come into picture for any matter and I have to be asked for the information. Interestingly, jab aap statistics section thi usme subsection 2 tha jo ab pura khatam ho gaya hai, because puri section replace ho gaya, is subsection 2 bhi hame padhna chahiye. Isme tha, upon such notification being issued, the commissioner or any person authorized by him in this behalf may call upon the concerned person to furnish such information written such for manner as may be prescribed relating to any matter in respect of which statistics to be collected. The commissioner, if he considered that necessary notification, direct that statistics may be collected relating to any matter. Okay, yes, I may go. 1 minute. I have done a mistake. 151. 1 minute, sir. 1 minute. Some mistake. 151, I'm reading it because subsection of rule 2 is very interesting section. Some typical error happened with me. Sorry for that. Yes, sorry, it's 152. They have amended. Now it is statistics. I'm coming to 152. So, ye unhone change kar diya ki collect of statistics ke jagah pe unhone power to call for informations kar diya. अब इन्फॉर्मेशन में किसी से कुछ भी मांग सकते हैं, पहले ये तो था कि कमिश्नर के पास, अब वो ऑथराइज ऑफिसर कर सकते हैं, अब ये इन्फॉर्मेशन का कोई लिमिट नहीं है, अब ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब मैं 152 में आता हूँ, सॉरी मैं 152 में अप्रीहेंड कर गया था, 152 में, 152 में सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों थे, इन्होंने सबसेक्शन 2 को पूरा डिलीट कर दिया। सबसेक्शन 2 क्या कहता था, एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, no person who is not engaged in the collection of statistics under this act or compliance or computerization thereof for the purpose of this act shall be permitted to see or have access to any information or any individual return reflected in the section 151. ab ye subsection 2 jo tha pehle statistics ke liye tha ki jo bhi data collection hoga wo sirf wahi aadmi dekh sakte hain jo uske computerizations ya uski compilations kar rahe hain, har officer is not accessible, और अगर कोई प्रोसिक्यूशन का मैटर है तो देख सकते हैं। तो ये सबसेक्शन 2 में उनको बार था, इन्फॉर्मेशन बार था, एनी ऑफिसर अदर ऑफिसर शुड नॉट बी इंटरफियर इनटू द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इन इंडिया टैक्स वी हैव अ डिफरेंट विंग्स, देयर इज प्रिवेंटिव विंग इज देयर, देयर इज ए इन्वेस्टिगेशन विंग इज देयर, देयर इज ए स्क्रूटनी एंड ऑडिट विंग इज देयर, देयर आर 4 विंग्स वर्किंग इन इंडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ बेसिकली व्हेन द स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हैव कलेक्टेड दिस इन्फॉर्मेशन, दिस विल नॉट पास टू अदर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, this will only record for the purpose of government statistics collection and all that, and that is why this information kept into purview of those officials only, those department, unless and until there is a prosecution matter, this information will not be passed. Now what they have done, they have deleted this provision. Now first section 151, they make that any information by any officer, now this officer can be anybody, sir, and he can ask for anybody of any matter. Now they have deleted section 152 subsection 2 जिसमें कोई बार था उनका डिस्क्लोजर का, वो भी गया। अब सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 में उन्होंने क्या किया है, नो पहले था नो इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल रिटर्न और पार्ट देयरऑफ, उसको उन्होंने हटा दिया है। अब सेक्शन 152 अगर मैं पढूं, उसका था बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 152 सेक्शन जो है वो इसलिए है कि डिपार्टमेंट ऑफिसर के ऊपर बार है कि आप प्राइवेसी रखेंगे डाटा। अब उसके साथ ये सबसेक्शन 1 में इन्होंने क्या किया, नो इंफॉर्मेशन, इसमें जो ऑफ एनी इंडिविजुअल रिटर्न और पार्ट देयर ऑफ, उसको उन्हें हटा दिया, मतलब अब इसके लिए नहीं, अब कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए अब नो इंफॉर्मेशन हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर गिवन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 150 और सेक्शन 151 शैल
without the previous consent in writing of the concerned person or authorized representative be published in such manner so as to enable such particular to be identified as referring to a particular person, and no such information shall be used for the purpose of any proceeding under this act without giving an opportunity of being heard. ये ठीक है, ये without giving an opportunity of being heard इन्होंने कर दिया है. ये basically उस आदमी के लिए कोई statistical information बाहर में जैसे publicly कोई company के बारे में information share करने के लिए ये prohibition था. लेकिन नीचे वाला जो था statistics का जो information था कि और officers नहीं जाने. Now they cannot by section 1 subsection 1 of 152 can bar them to publish the information or not to publish. That is a good thing part of it. But as far as using that information by multi-department, nowadays we are faced with not only one department. We are getting notices from state. We are also getting notices from center. Then state have their own preventive and intelligence. Center have their intelligence and preventive and audit. At a time, same matter, 4 or 5 notices are coming. Now informations will be shared and everybody will start coming into picture. And this is what the difficulty which challenged before the court also, that who is the competent authority and who can issue notice. Now they have brought out that this bar on sharing of information have been gone. Now it is now open that whatever information going to the department, it is automatically available to whole wings of them. Only point is that once they are putting into a public domain, they have to get a, they have to hurt the person with a giving the opportunity of being heard. This is section 152 amendment. I think I am running very fast. I have not yet listened if I am going to very fast or slow, but I somehow I complete my own presentations now. Thank you for the present hearing, and over to the team BIP, please. Hello. Yeah, over to you, sir. Thank you, Tarun ji. For your nice deliberation. Hello. Is there any question? Just me. Check. Do you in the group? Do you want any ask any question? There's one question in the chat box. Okay. It is addressed to Sagar sir. It is written that why government is not allowing to pay employees share of PF and ESI separately. Sabah sir, over to you. Yeah. Hey, we are talking about the PF and ESIC Act. They are telling that it should be paid by a particular date. Now, earlier, if you pay employees' contribution by even return filing date, it was getting allowed. Now they have stated no. PF and ESIC Act में जो date है उसी date को अगर payment कर दिया तो मिलेगा deduction, नहीं तो उसको जोड़ देंगे. Even though it is not debited to expenditure account, it will be added to the income. It's a very, very tough act, and never you will get in your company's life as a deduction. This is very, very draconian type of law which they have brought. And earlier, if you remember, there used to be 5 days as a grace days. Due to some reason, you are giving and the check is not getting credited. So, aisa hokar 5 din rehta tha. And wo 5 din ko kaat ke hum log violation टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देते थे. अभी वो 5 दिन भी उधर से हटा दिए. तो चारों बाजू से इट इज बिकमिंग हिट टू द एसएससी. माय सजेशन हैज बीन एंड आई हैव बीन टेलिंग टू द पीपल कंसर्न्ड, बिकॉज़ वन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज देयर इन द बीजेपी सेल एज द टैक्स सेल. वो उड़ीसा का है, मरवाड़ी है उड़ीसा का, और उसको हम बताया भाई ये बहुत टफ है, तो इसको बोल दो जो जो दिसंबर तक रख देता है, मार्च का डिडक्शन है, अप्रैल में देना था 15 तक, ही इज पेइंग ओनली इन सितंबर, देन उसको अलग है. एंड वो लॉ में तो उसके लिए पेनल्टी करो, वो लॉ में तो इंटरेस्ट ही है, वो सब इनकम टैक्स में क्यों यू आर इट्स अ डबल पनिशमेंट व्हिच इज हैपनिंग. It should be really thought of by the government that industry ke upar bahut
the system is open for all the audience. They can unmute yourself and they can ask the direct question to the learned viewers, learned speakers from Odisha. And by that time, one question I received from on the WhatsApp, the address to Tarunji. It yes. is one of the professionals. He's saying that his accountant by mistake have filed the GSTR-1 without taking some incomes which was to be accounted for in 31st March. Now, the what is the option available to them to revise it or somehow make the proper entry in the 31st March? So, it is, I think the question is pertains to GSTR-1 mein kuch invoices chhut gaye hain. Yes. Kuch incomes disclose karna chhut gaya hai. तो पहली बात है कि क्या आप 3B में भी वही किए हैं या 3B में करेक्ट किए हैं, दैट इज नंबर वन. पार्डन, 3B पेंडिंग है. हाँ, तो 3B में आप करेक्ट फिगर डाल दें, अगर एग्जेम्प्टेड फिगर है तो वो भी करेक्ट कर दें और जो आपका टैक्स लायबिलिटी है वो करेक्ट करके डाल दें. और आपका नेक्स्ट महीने में जब GSTR-1 फाइल करेंगे अप्रैल का, उसमें आप एडिशनल अमाउंट डेट डाल के इसको करेक्ट कर सकते हैं, वो अपने आप इफेक्टिव हो जाएगा. हाँ, आप जब अप्रैल का GSTR-1 में फाइल करेंगे तो वो डेट आप डालेंगे अपना ओरिजिनल इनवॉइस का डेट, तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैक में जाके मार्च में, और जो पार्टी का आपने दिया होगा उसको उस महीने में तो 2B में नहीं आएगा, अगले महीने में उसका 2B में करेक्ट ही आ जाएगा. अकाउंट ओके हो जाएगा लेकिन एक महीने का डिले होगा. नहीं, बैलेंस शीट में देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस GST ने एक्चुअली अकाउंटिंग का इतना लंबा काम कर दिया है. एक्चुअली अकाउंटिंग में आपने सारा ठीक ही कर रहे हैं, तभी आपने फाइंड आउट किया कि मेरा सिर्फ एरर हुआ है रिटर्न फाइलिंग में, मेरा फाइनेंशियल बुक्स करेक्ट है, तो फाइनेंशियल बुक्स में तो इनकम करेक्ट है तो उसमें तो कुछ नहीं करना है, तो इवेंट ऑफ करेंगे आफ्टर बैलेंस शीट डेट कुछ भी नहीं है. ओनली फैक्टर इज कि मेरा रिटर्न फाइलिंग में मेरा 100 इनवॉइस की जगह में 90 इनवॉइस किसी तरह से लोड किया, 10 इनवॉइस छूट गया, लेकिन वो 100 इनवॉइस का जो टैक्स लायबिलिटी है वो 3B में करेक्टली फाइल कर दे रहा हूँ. नाउ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओके, ओनली थिंग कि 10 इनवॉइस मैंने गलती से जिस चरण में नहीं डाल पाया वो अगले महीने में वो 10 इनवॉइस प्लस मेरा अप्रैल का जो ओरिजिनल इनवॉइस होगा सारे मिला के डाल दूंगा, तो मेरा जो रिसिपिएंट है, जो मेरा कस्टमर है, उसको करेक्ट आ जाएगा और मेरे को भी कोई टैक्स लायबिलिटी देना नहीं, बिकॉज़ मैं 3B में दे रहा हूं. सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है अरुण जी. यस सर. हेलो, तो रिसिपिएंट को सर इनपुट मार्च में लेना चाहिए कि अप्रैल में लेना चाहिए? सर, मार्च में तो आएगा ही नहीं, सिचुएशन अभी जो है 2B में आएगा. नहीं, 2B में नहीं आएगा, तो अप्रैल में लेना चाहिए. सर, मैं तो कहूँ हम 2-3 महीना रुक जाते हैं, और जो एक्सपोर्टर हैं उनके तो हम कहते हैं आप हमारी प्रोफेशनल फीस 1-2 महीना बाद दे दीजिएगा, लेकिन आपका सर आ जाएगा, हम 2 बार वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम क्रेडिट लेंगे. हम 3 महीना लेट करके चलते हैं. प्रैक्टिकल है, क्या करें बताइए, कोई उपाय नहीं. सर, निखिल जैन ने हैंड रेस किया है. निखिल जैन, निखिल जी, हेलो, अनम्यूट कीजिए निखिल जी. अनम्यूट नहीं हो रहे. अच्छा, जीएसटी ऑडिट पे क्वेश्चन है आशुतोष बिगोटा जी का. करेक्ट, हम बोला था कि जीएसटी ऑडिट क्या निकाल देंगे, एंड दे वर टेलिंग एंड दिस ऑडिट्स रिमूव करके 30,000 crore का लॉस विल बी द ऑडिट फीस टू द होल फ्रेटर्निटी ऑफ द प्रोफेशनल्स. इसके ऊपर आप सर, साबो सर, मैं क्या बोलूं, अनफॉर्चुनेटली ये जो जीएसटी काउंसिल की जो एजेंडा बन के जाती है स्टेट से, आई हैव गोन थ्रू होल डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट, दैट इज फ्रॉम छत्तीसगढ़ वन एजेंडा हैव बीन मेंशन दैट जीएसटी ऑडिट के नाम पे फीस मांगा जाता है और फिर रिटर्न आपसे फाइल कराना पड़ेगा ऐसा बोला जाता है. और जो GSTR-9 में जो कलेक्शन हुई, मतलब जो एनुअल रिटर्न में और 9C में जो कलेक्शन हुई, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो ये कोई सॉरी टू से कोई डेविल्स एडवोकेट्स माइंड है जो उस तरह की प्रेजेंटेशंस ऑफिसर्स को दी गई और वहां से वो जीएसटी काउंसिल को चली गई और वहां से ये सारी चीजें हुई हैं, जो उसका बेसिक जो एजेंडा गई थी उसमें ये बेस्ट था. आप बोलो नहीं समझ रहे कि 9 में जो टैक्सेस दिए जा रहे हैं वो हमारे भाई लोग प्रोफेशनल ही करवाते हैं, वो सीए ही करवाते हैं. हाँ, हम ही करवाते हैं, हम पहले 9 तो खुद ही करवाते हैं. तो कुछ भी नहीं बचता, हम तो खुद ही 9 रेडी करवाते, भैया पहले इसमें दे दो, कहीं कोई अनडिस्क्लोजर ना हो, तुम्हारी डिस्क्लोजर हो जाए हम तो बाद में आएंगे. 9 और 9 तो हम ही बनाते हैं सर, 9 से ही मैं टैक्स पेमेंट करवा देते हैं. तो वही देखिए, अब ये हम लोग क्लाइंट को बचाने के लिए करते हैं और वो बाद में पता चलता है कि हम कुछ नहीं करते. डिस्प्यूट पड़ेगा सर, और कुछ नहीं है. मैं आपको
one thing I wanted to tell you, when we were doing the State Bank of India Central Statutory Auditor, at that time, Parliament mein question hua tha, if ICICI and HDFC Bank, Axis Bank, ye sab mein total fees paid is 5 crore, to State Bank of India and other banks mein kyo 100 crore hai, ya 80 crore hai? This was the question by a parliamentarian MP ne. So then the questioning came, because statutory auditor ko RBI bulata hai, discussion ke liye central statutory auditor ko. So hum bole, sir, it is to be explained that this is huge and it is spread over villages and whole country, number of branches dekhiye. Oh, bola, oh, samajhte, oh, they are asking this, so tum log ka isiliye fees increase nahi ho raha hai. And you must be knowing that 2013 ke baad, abhi 8 saal ho gaya, the fees is not getting increased. It is remaining as it is in the bank audit. The whole thinking process, then branch audit kam karte jate hain, so that number of branches will be audited less. Oh, jitna fraud hoga, jitna NPA hoga, wo sab different hai. And hum log ko NPA bana dete hain, non-performing auditor. Isne audit kiya tha, kaisa ye sab ho gaya. Auditor is a non-performing fellow. Action lena chahiye usko. Sir, one thing I have forgotten to tell you, as for the reopening, hum log sab fight kiye hain, agar audit ne query raise kiya after completion of assessment, wo jo AG wala aate hain, to usko reopening ke liye, that is not valid. And ye log bole, are hamara AG office aata hai, phir bhi isko point nahi le sakte ho. तो ये एक्ट में अभी अमेंड कर दिया, सीएजी ऑफिस से जो क्वेरी आया है, दैट क्वेरी के हिसाब से 3 साल का आप ओपन कर सकते हो और 10 साल का तो मैं बताया है. तो हम लोग अनसर्टेनिटी के अंदर रहेंगे, खोल देगा क्या? इतना परिश्रम करके हम असेसमेंट करवाया, ये कोई सीएजी का ऑफिस का कोई आएगा, क्वेरी एक डाल देगा, फिर ओपन कर देगा. आई हैव गॉन टू एजी ऑफिस फॉर गिविंग देम लेक्चर्स and telling, Baba, kya sab question aap pooch lete ho? Why don't you ask us to explain to you the accounting standards, the ICDS, ye jo sab latest changes aaya hai, you people should get updated so that you don't raise questions by wasting the time of the department and the SSC and the AIR. Wo bolte, are hum jitna sikha hai, wo kafi hai humko question raise karne ke liye. ढूंढते जाते हैं क्वेरी रेज करने का. एंड कमिश्नर को जब हम बोलते हैं, सर क्या आप 263 कर दिया, बोला अरे क्या करेंगे रे, वो क्वेश्चन रेज कर दिया ना सीएजी, उसको हम क्या रिप्लाई करेंगे, खोल देते हैं इसको, उसके बाद तुम रिप्लाई वगैरह सब बनाओ दे दो, फिर देखते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी चेंज विच हैज कम, इज नेवर इट हैज बीन देयर. एंड कोर्ट डिसीजंस वर देयर, द एजी क्वेरी के हिसाब से या ऑडिट क्वेरी के हिसाब से इट कैन नॉट बी, बिकॉज़ आईटीओ हैज डन हिज ओन ड्यूटी ऑफ गोइंग थ्रू ऑल पेपर्स, देन ओनली ही हैज डन द असेसमेंट. एक चेंज आया है जो कि हम लोग को इफेक्ट करेगा. साबत सर, सर एक क्वेश्चन, एक अभी 3-4 दिन पहले एक सर्कुलर आया था कि जो सेट असाइड जो केसेस हुए हैं वो ज्यूरिसडिक्शन में ही होंगे. हेलो, हाँ, ज्यूरिसडिक्शन में अपना कमिश्नर के पास. तो सर इसमें अपील में भी जो सर ट्रिब्यूनल से जो सेट असाइड होके अपील में भी जो केस आए हैं वो भी अपील फेसलेस नहीं होगा ना सर, वो ज्यूरिसडिक्शन में ही होगा ना? नहीं, वो एक्चुअली ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए. मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली आई हैव फेस दैट, हमारा भुवनेश्वर से जितना सब आया था फ्रॉम ITAT और लाइक दैट, ITAT हैज स्टेटेड इट इज टू बी लुक्ड इनटू बाय द AO. And freshly this issue should be looked into. तो हम assessing officer के पास गया, सर हमारा ये pending है ITAT का order का effect देने का. बोला अरे रातों रात सब चला गया. हम बोला किधर चला गया? ना अपना computer से withdraw करके the power has been taken away by the National E-Assessment Center. And while preparing the answer, I just wrote that giving effect to an order is not there in the faceless assessment scheme. So this is not judicially correct and legally not tenable. Aisa first paragraph mein likha,
एंड सेकंड पैराग्राफ में लिखा विदाउट प्रेजुडिस टू अबोव इश्यू व्हिच वी हैव रेज्ड मेरिटोरियसली वी आर सबमिटिंग द फॉलोइंग सबमिशंस सो दिस इज व्हाट वी हैव गिवन वो सब लेकर जाते हैं एंड अगले साल में तो 100% वो अमेंड कर देंगे बोलेंगे नहीं नहीं सब ई में ही होगा कर सकते हैं अभी तो विदाउट फैसले अभी तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा ना सर नहीं होना चाहिए हम तो जाकर हम कमिश्नर को मिला कमिश्नर बोला ले गया तो ले गया अभी क्या करेंगे एंड ऑफिसर्स आर वेरी हैप्पी क्योंकि उनको काम करने का था और वो चला गया फेसलेस में दे से अरे क्या करेंगे सर तो ले गया क्या ले गया भाई किधर से ले गया कंप्यूटर से आपका ले गया 85 केसेस You have to send notice. You should write. You don't have authority. Please send it back. इतना नहीं बोल सकते बोला क्यों हम करेगा मेरे ऊपर ज्यादा काम आएगा ना ये फेशियली होता है और फेसलेस में उसने हमको इतना बड़ा क्वेरी पूछा है क्वेरी इज वन एंड द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल आई एम टेलिंग यू इन केस ऑफ एक हमारा एक क्लाइंट का वो द ITAT ऑर्डर इज 10 pages And the operative part of it is just in one page, one paragraph. That you should look into this reconciliation and the AR jo bola hai, usko aap dekho. And this man who is actually faceless mein bheja hai, usne 7 pages ka query bheja hai. Wo single issue ke upar. Hum usko bola ki tumhara adhikar nahi hai. Ye sab humko puchne ke liye. Jab I have gone through the assessment under 143.3, I have gone through the appeal and after appeal I have gone to tribunal and after full-fledged hearing the tribunal has given operative part is only a paragraph. But abhi tak wo kuch nahi aaya hai. Woh shayad April tak usko karne ka tha ya ye usko phir 2 mahina de diya. Government uska officers ko time dete jata hai. As far as we are concerned, we face problem. 154 remains pending and either the 154 is not being attended to by the officers. No action. What the charter of charter for the SSEs? Itna hum sab benefit aap log ko dega. You are honest until you are found to be dishonest. Ye sab principle hum log se baat karta hai. Are you are all the dishonest even faceless wise vis-a-vis giving any sort of order. What action you have provided? Wo action on the officers bol ke ek bhai kyon nahi nikalte ho? Agar galat hota hai to usko demote karega. And he's not fit to do assessment bolke usko traveling and ye jo medical expenses and salaries dekhne ke liye usko transfer karna chahiye so we don't get justice sir justice nahi yes, hai sir. Opposition nahi hai aur didi chali jayegi to aur opposition weak ho jayega aur maa beta jab tak hai to khud modi ji parliament mein bola tum maa beta udhar baithte rahoge to main ye baju mein ye baithega हाँ ये ध्यान में रखना बोल के डायरेक्टली वो बोलता है अभी क्या करेंगे हम लोग को सुनने के लिए कोई नहीं है सर और जगन्नाथ जी भी वो बोलते हैं जैसा राजा ऐसा वो प्रजा विल सफर बिकॉज ऑफ दिस राजा हुम यू हैव क्रिएटेड तो मैं जगन्नाथ जी नवकलेवर होने के बाद वो यंग जगन्नाथ है यंग एंड एंग्री जगन्नाथ जी तो वो एक बार दिए हमको कोविड फिर अन्याय सब होता गया तो बजट के बाद फिर आ गए आकर फिर दूसरे बार अभी दे दिए मंदिर भी बंद करवा दिए बोले तुम पापी लोग हो तुमको मेरा दर्शन ही नहीं मिलेगा जाओ पूरा दरवाजा बंद कर सर एक क्वेश्चन है सर खुशी दुकानिया Can SSE ask for information available with the AO for issuing notices under 148 before filing of his return under 148? Sir, उनका नियम है कि आप पहला income tax return file कर दो। हाँ, उसके बाद ही वो। उसके बाद ही मैं reason देगा। वो आजकल 143.2 के साथ दे देता है सर वो लोग। reason तो देगा। 148 में ऐसा ही है। तो जितना अभी आया है सर मैं आपको बताता हूँ 14-15 के लिए भेजा है 15-16 के लिए भेजा है क्योंकि टाइम लिमिट चला जाता तो उसका हिसाब से भेज दिया है हम लोग बोले अरे किधर मिस्टेक किया रे हम खुद उधर गया सर वो है वो ऑडिट का एक क्वेरी है बट वी कैन नॉट टेल यू बिकॉज दी नेक्स्ट इज ओनली प्रोस्पेक्टिव नॉट रेट्रोस्पेक्टिव तो हम लोग को ओपन करने का था आप रिटर्न फाइल कर दीजिए ना आप बता दीजिए फिर आंसर दे दीजिए इसको ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि अभी तक उनके हाथ में है
प्रॉब्लम है ओके बहुत डिफिकल्ट असेसमेंट करने का भी जो पोजीशन आ गया है आई डोंट थिंक वी शुड डू एट द सेम यू नो फीस व्हिच वी वर डूइंग द नॉर्मल फेस फेशियली असेसमेंट फेसलेस असेसमेंट शुड बी मच हायर फीस बिकॉज वी हैव टू वर्क हार्ड to give the answers to the questions which are raised. And time is also limited, very much limited, sir. Bahut time jata hai, sir. Bahut time jata hai. Bahut time. Aur reply ka bhi time bahut limit rehta hai. Haan, bahut. Haan, exactly. Wo 15 din hi deta hai. Aur further bolne se udhar computer mein aa jata hai. No, you can't ask for more time. Means almost 15 din, 15 days only. Very tough, very tough. सर एक नोटिस का रिप्लाई आज का मांगा गया 11 o'clock तो जमा कर दीजिए अदरवाइज असेसमेंट पास कर देंगे टुडे संडे हां टाइम वाज गिवन अप टू 11 am अदरवाइज यू नो हां हां ओ छुट्टी सर्विस टैक्स क्या एक क्वेश्चन है तरुण जी को एड्रेस करके मेरे WhatsApp पे आया हुआ है आई एम जस्ट रीडिंग फॉर हिम हां प्लीज बोलिए नरेश अग्रवाल जी हमारे सीनियर मेंबर हैं वीआईपी के उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जीएसटी ऑडिट इम्प्लीमेंटेशन का अभी नोटिफाई नहीं हुआ है हमारे लिए लॉ एक्ट में बन जाना और सीजीएसटी एक्ट में पास हो जाना यहाँ तक तो ठीक है ये हो गया है लेकिन जब तक स्टेट जीएसटी में नहीं होता है तब तक तो ये लॉ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ओल्ड लॉ अभी तक पड़ा हुआ है लेकिन एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि फरवरी में क्योंकि ये मार्च में पास हुआ है तो इस फाइनेंशियल के अंदर ये पास हो गया है तो अप टू 1920 तो ठीक है लेकिन 2021 ये डाउटफुल रहेगा क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशन डेट अगर बाद में करते हैं तो भी इसका जो ऑडिट होगा 2021 का वो तो हम लोग का ड्यू डेट दिसंबर तक आ जाता है आफ्टर अनरिटन तब तक तो ये लॉ आ ही जाएगी तो अगर ये लॉ अमेंड नहीं करते हैं एज इट इज रखते हैं तो आई होप ये ऑडिट नहीं होगा जीएसटी ऑडिट क्योंकि अभी जैसे सर ने कहा ना हमने जो भी रिपेंटेशन देते हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करने का ठान रखा है इन्होंने जैसे ऑडिट्स का सारा भी कह रहे थे जीएसटी अपना डिपार्टमेंट ऑडिट्स का कितना गलत चीज है बट उसी को उन्होंने इनकम टैक्स लॉ में ले आए जितने भी रिपेंटेशन जाती है वो एज इट इज बैठे हैं कि जो आप मांगते हो उसको पूरा करप करना है मतलब इसमें कोई गड़बड़ी है इसको लॉ में चेंज कर दो तो मतलब हम अगर ऑडिट के लिए बोलने जा रहे हैं आई विल लाइक टू टेल यू आपका कलकत्ता का बहुत ट्राइब्यूनल्स इंक्लूडिंग फॉर आईटीसी ये जो एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन एंड दिस हेल्थ सेस वो जो सेस है ना सेस हैज बीन स्टेटेड टू बी नॉट अ टैक्स एंड दे हैव वन द ट्राइब्यूनल हैज स्टेटेड सेस इज नॉट अ टैक्स सरचार्ज इज अ टैक्स बट सेस इज नॉट अ टैक्स एंड अभी फाइटिंग शुरू हो गया तो पीपल व्हाट दे इवन बॉम्बे हाईकोर्ट में सेसे गोवा लिमिटेड उसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट हैज हेल्ड दैट यस सेस इज नॉट अ टैक्स अच्छा अभी क्या होगा व्हेन वी हैव फाइल्ड इवन अभी 2021 का आ गया है कुछ लोगों को क्वेरी स्टेटिंग दैट हाउ हैव यू क्लेम्ड सच एज अलाउबल आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ एंड इन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर ही सेड सच इज नॉट एन अलाउबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37 आई फील द वे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इफ नॉट डिपॉजिटेड बाय ड्यू डेट ऑफ दोज एक्ट्स will not be allowed they and it is deemed to have never been thought that it will be allowed aisa bol ke deeming do ta paragraph dala hai aisa hi dalega bolega sex has never deemed to be have been not a tax aisa karke amend kar dega and there they will tell you read the memorandum explaining the law where it comes direct taxes and usme income tax a B hota hai surcharge and C hota hai cess and part of direct taxes when in the budget ka bahi mein memorandum mein hum explain kiya hai tum udhar se kaisa lift karke cess ko not part of direct tax lete ho we have always given this as part of it and so this is only kaun isme sub chartered accountant koi gali deta hai bolta ye log ka dimag hai aur uske liye pura jitna punishment dene ka hai different see our assets are going to be seized एक न्यू प्रोविजन लेकर आया है कि इन्वॉल्व चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जो मिस रिपोर्टिंग इसमें नॉट ओनली क्लाइंट का एसेट सीज होगा बट सीए का भी दे कैन टेक एक्शन फॉर सीजिंग द एसेट बिसाइड्स राइटिंग टू इंस्टीट्यूट टू टेक अरे
50 साल पहले हम कितना कष्ट पढ़ के वी हैव एक्चुअली पास, एंड उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल कर देगा, घर में बिठा देगा और मेरा एसेट जो घर में है उसको लेकर जाएगा, तो क्या होगा सर? इसीलिए प्रैक्टिस छोड़ देगा क्या बोल के सम पीपल आर आस्किंग सर, इट्स बेटर टू बी इन एम्प्लॉयमेंट देन इन प्रैक्टिस, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर इतना डिफिकल्ट लेकर आया. आई वॉज गिविंग ए टॉक to a big client on the company set changes and caro changes. Then they said, sir, aap to pura hamara sab kuch pan shot sab nikal dega company ka. Ye jo reporting aaya hai. Hum thodi diya hai caro this one. This is done by the Modi government. They have stated the auditor has to report losses ke upar, stability ke upar, and thus thus to ratios aapko 11 ratios aapko pura certify karna padega. Uske baad ye sab hone ke baad you are supposed to tell, can the company pay, is it will it be able to pay its dues, jo bank se ऋण वगैरह लेता है. It means in advance you have to assess and give your comment and opinion. Client ke upar likho तो क्लाइंट हमारे ऊपर गुस्सा होगा, हमको निकाल सकता है. आप नहीं लिखो तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकता है. तो वो ये बड़ा डिफिकल्ट पोजीशन में हम लोग हैं. हाँ बताओ तरुण. सर एक क्वेश्चन आया हुआ इसमें चैट में. सर इफ माय जीएसटी आउटपुट इज वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू टीडीएस डिडक्टेड ऑन जीएसटी देन कैन वी क्लेम रिफंड फॉर द सेम. संजीव अग्रवाल जी, यस एक्चुअली TDS इज लाइक ए योर कैश. जैसे 26S में हमारा आता है इनकम टैक्स में, तो GST का जो TDS है वो पूरा कैश है, वो आपका टैक्स लाइबिलिटी नहीं है. आपकी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी के बाद में जो भी आपका एक्स्ट्रा कैश रहे वो आपका कैश लेजर में आएगा, तो उसको रिफंड क्लेम करने में कोई मना नहीं है. लेकिन अगर आगे चलता है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये कैश लेजर में आपका ऑटोमेटिकली आएगा, तो वहाँ से आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. बिकॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कटता है TDS, अगर वो एग्जेम्प्टेड होगा तो आपका TDS तो बनेगा ही, आपके पास बचेगा. जस्ट लाइक अभी परचेजेस एंड सेल्स के ऊपर जो TDS एंड TCS वाला लाया है, उसको बोले है ना, इट इज डीम्ड टू बी योर एडवांस टैक्स, सो इट विल बी ट्रीटेड फॉर TDS पर्पस एंड यू विल गेट द क्रेडिट एज एन एडवांस टैक्स. एंड आपका अगर रिफंड बनता है तो रिफंड आएगा. नाउ दे विल बी गिविंग 26S में ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी देयर. सो ओके, एनी मोर क्वेश्चन? Yes, ma'am. I have a question with Tarun ji. Good afternoon, I'm Mr. Jagavar from Kolkata. I have a question that say in GSTR 1 turnover is shown as 1 crore of rupees, and by mistake in GSTR 3B it is shown as 10 crore of rupees, 10 while the tax liability is right in both the returns. What is the report available to the client? So what I understand is your GSTR 1 is perfectly done. Your GSTR 3B tax liability also perfectly done. Yes. Your GSTR 3B turnover sales figure or supply figure is excess or low? One excess by misputting one extra GST. Okay. So instead of 1 crore, it has become 10 crore. Sir, immediately you first make a cause of action to write to your departmental officer. This is what happened. And do a revise 3B manually. I am telling you no law. I am just telling you how to handle this. You just prepare another 3B with a correct figure, with a self certification. If you require the chartered accountant certifications, making it correct and immediately send the mail to the concerned jurisdiction officer. This is what happened with me. And make a acknowledgement of it. Keep acknowledgement with you. A letter has been given to the concerned officer. Do I need to submit a 3B as well? Yeah, no, sir, usko change to aap nahi kar sakte because aap down minus kaise karenge? Because aapka tax liability correct hai, right? Tarun ji, agar next month mein hum dikha de to. Sir, inka 10 times ka 1 crore ka 10 crore ho gaya hai. ओ, तब तो भाई होगा नहीं, तो 9 crores का मैच करेंगे तो 9 महीने तक करेंगे ना, तब तक डिपार्टमेंट आके परेशान करना शुरू कर देगा. हां, ये लोग समझते नहीं है, इनको इतना मैकेनिकली जा रहे हैं, दो पेज का शोकॉज बनाते हैं, सॉरी टू से, और
कोई भी इंफॉर्मेशन में जहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट दिखता है उसी को आपकी लायबिलिटी मान लेते हैं। अगर आपने जीएसटी आर1 में गलती से दिखा दिया तो वही उनके लिए सही है, 3B में एक्स्ट्रा दिखा दिया तो वो भी उनके लिए सही है। सर उसके पास जो रिपोर्ट आती है ना, जो हम रिवर्स कर रहे हैं, उसके पास वो रिपोर्ट नहीं जा रही। अगर हम नेक्स्ट मंथ में रिवर्स कर रहे हैं उस चीज को सेल्स को, कारण सर ये क्या हो गया है कि ये अभी क्या हो रहा है, इनकी जो सो कॉल्ड नोटिसेस हो रही है ये हर महीने का ये लोग सो कॉल्ड नोटिस करना शुरू कर दिए। अब एक साल में मेरे पास अभी 17, 18, 18, 19 के सो कॉल्ड नोटिसेस आ रहे हैं, 3-3 महीने के पीरियड्स के। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट की टीडीएस कटती है और इन्होंने टर्नओवर दिखाते हैं, गवर्नमेंट का भी पैसा एक महीना 2 महीने बाद देती है, दूसरे पीरियड में आ गई। अब उन्होंने क्या किया, एक क्वार्टर का दूसरे क्वार्टर में दिखाया। अब आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप बता रहे हैं कि मेरा फर्स्ट क्वार्टर का जो लायबिलिटी था मैंने सेकंड क्वार्टर के 3B में दिया है, आप बोल रहे हैं दिया है, उसके पास तो रिकॉर्ड नहीं है, इट इज सेल्फ असेसमेंट, दे हैव टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ असेसमेंट, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एट ऑल, दे डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट। नाउ द पॉइंट इज, कुछ भी अगर चेंज आता है राइट ए लेटर, और बिकॉज वी हैव टू मेक ए कॉज ऑफ एक्शन विद देम कि सर मैंने तो आपको बता दिया था उसी दिन, इट इज नॉट माई आफ्टर थॉट, बिकॉज इमीडिएटली दे आर गिविंग टाइम एंड इमीडिएटली दे आर इशूइंग सो कॉल्ड नोटिस, एंड इफ दिस कोरोना टाइम पीपल आर गेटिंग लेटर लेट और ऑनलाइन में देख नहीं रहे तो 30 डेज के अंदर वो ऑर्डर भी पास कर दे रहे हैं DRC 07 और साथ साथ पेनल्टी लगा कर, और आप फिर 30 डेज के अंदर आप अपील नहीं फाइल करते हैं, आप बोलते 3 महीने का टाइम है, अपील फाइल करता हूँ, डाटा मंगाता हूँ, तब तक आपका अकाउंट अटैचमेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग सावर सर, इंटरेस्टिंग ये है कि एडजुडिकेशंस की जो हियरिंग होती है इनडायरेक्ट एक्सेस में, इट इज अ मियर फॉर्मेलिटी, यू गो विथ योर सो कॉल्ड नोटिस ऑल इन्फॉर्म, हाउ टेल मी, यू टेल, दे जस्ट लिसन फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग, देन सुपरिटेंडेंट नॉर्मली हर्ड इट एंड दे फाइल इट, एंड वी आर ऑलवेज इन टू डिलेमा दैट व्हेन द अथॉरिटी कॉर्पोरेशंस आर आस्किंग, आपने इतना बड़ा रिप्लाई बनाया और ऑर्डर एज इट इज कन्फर्म हो गया, अब क्या एडजुडिकेशंस में किए। Now in this corona time, what happens, very interesting in my personal experience, I'm saying, now the online e-hearing has started, virtual hearing, now company management also now part of it, they are also listening. Recently advanced ruling was there in Odisha, I was appearing, so other people from IIT and all these people are also there, they are also listening, the front person kya sunte hain, kya karte hain, at least professionally hum log bache hue hain ki hum log apna job kiye hain, result wo log nahi de rahe, nahi to kya hota hai, they said we have not done our case properly, helpless. जितना रिप्लाई वगैरह देंगे through this discussion, I am just thinking, AR दस्तखत नहीं करके वो क्लाइंट का ही उसको समझा के इधर दस्तखत मारो बोलने का, सो दैट एवरीथिंग क्लाइंट इज एक्चुअली डूइंग, मेरा कुछ नहीं, मैं देखा मैं बनाया, नहीं करेगा ये Absolutely नहीं, no, no. ये जो असेसी है उसी के साइनिंग में जाएगा सर, आपने तो नहीं करना। नहीं नहीं, for you, but here we are taking authorized representation because the client बोलता है मेरे को तो कुछ मालूम नहीं इसका रिप्लाई देने का। So in income tax we are generally giving from the firm. So it is becoming because of these problems which we were talking. It's better that the director कहीं बोलने का, हम बनाया सर, आप दस्तखत मारो फाइल करो। मैं exactly provision से भी ध्यान नहीं आ रही है, अपने जीएसटी में समन और अपीयरेंस के लिए एसएससी के जगह पे हम लोग रिप्लेंट नहीं कर सकते। And that is for indirect tax. I am talking about direct tax and faceless assessment. हाँ सर। साबत सर। Yes, sir. जैसे एक जनरल थॉट है सर कि जैसे कि 148 में जो रिएक्टिंग का टाइम बढ़ाया जा रहा है, हाँ जी, 3 साल और 10 साल, अभी तो अभी वापस नोटिफिकेशन में डेट बढ़ा दिया गया कि अभी आगे भी 30 जून तक, हाँ 30 जून, हाँ तो सर इसकी ये बार बार जो डेट बढ़ा रहा है तो सर क्या ये अनकंस्टिट्यूशनल नहीं है क्या, ये मतलब एक हार्डसम नहीं है मतलब एसएससी के ऊपर में, जो ऑलरेडी था उसको क्लोज करना चाहिए, व्हाई दे आर एक्सटेंडिंग एवरी टाइम सर, वो जो पेंडेमिक आया है वो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखता है ड्यू टू कोविड एंड पेंडेमिक वी आर गिविंग दिस एडिशनल टाइम, कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन बोलता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, आपको तो मालूम है सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है जनरली,
गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत कम जाता है एज फार एज डिसीजन इज कंसर्न ग्रेजुअली फेवरेबल ओनली सर मैं ये बोल रहा हूँ पेंडेमिक आया था सर 20th मार्च 2020 को राइट ओनली 10 डेज वेर लेफ्ट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस यस यस और 10 डेज को ये लोग सर एक वन ईयर थ्री मंथ्स और ले लिया है इट इज नॉट जस्टिफाइड इट इज टोटली अनजस्टिफाइड उस टाइम को रियली स्पीकिंग दे शुड हैव स्टेटेड मैक्सिमम बस आपको तीन महीना मिला जून नहीं तो सितंबर वो नोटिस cannot take it up to 31st March 2021 and again उसको बढ़ाने का ये सरासर अन्याय है and on 31st March 2021 they were not knowing that this extension is coming बहुत सारे notices have been sent dated 31st March 2021 yes sir I got notice 12 notices upload करना पड़ता है उनका पोर्टल में वो पोर्टल में अपलोड किए धड़ी जाऊ वी गॉट इट अरे क्या 14-15 का अभी आया सर लास्ट डे बैठ के सब तो दे दिया जितना क्वेरीज था वो सब उसको डाल के हम दे दिया है सर अपना हमारा ये कहना है सर कि डिपार्टमेंट के पास में पूरा सिस्टम है पूरी मशीनरीज है वो 10 दिन के पहले नोटिस को छोड़ने के लिए एक साल से ऊपर का समय लेती है और हमें कंप्लायंस करने के लिए 2 दिन 3 दिन 7 दिन का समय देती है हम लोग अनऑर्गेनाइज है और एक बिजनेसमैन को एक प्रोफेशनल का भी सर्विस लेना पड़ता है सबके सब डिस्टर्ब थे तो अल्टीमेटली हैम्पर तो हम लोग हुए हैं हमारे ऊपर एक पेनल्टी आ जाएगा तुमने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया ऐसा भी हो जाता है Our institute has to actually take proactive steps related to certain because we have also a tax cell. They should go and convince. Madam doesn't become convinced. She is not listening to anything. And उसके पास जो finance ministry में जो secretaries है, at least they should give hearing to the institute. And last day में हम लोग का जो time extension आता है आप देखे होंगे just last day. उनका computer नहीं चलता है. हम लोग वी ट्राई टू अपलोड होता नहीं है उनको मालूम हो जाता है उनका कंप्यूटर नहीं चलता है उसके बाद आपको 31st or 30th रात को आएगा टेलिंग दैट वी हैव गिवन और कितना दिन माइजरली सम डे जो दिया 10 दिन दिया अरे एक महीना देने से क्या जाता है आपका है? वो लोग अपने लिए एक साल ले लेता है सर अभी कोविड बेड नहीं मिलता है ऐसा करेगा ना फ्यूचर में मेंटली डिस्टर्ब्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके लिए सेल क्रिएट करो वो तुम्हारा हॉस्पिटल में क्या हुआ इसको ना डिप्रेशन में आ गया चार्टर्ड अकाउंटेंट रांची में एक ही था ना अभी हर हॉस्पिटल में एक विंग खोलने का कि कंसल्टेंट लोग का दिमाग खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट उनको इधर डालना पड़ता है और ट्रैंक्विलाइजर देना पड़ता है एंड थोड़ा सा उनको स्टेबिलाइज करके फिर घर भेजना पड़ता है दिस इज गोइंग टू बी दिस इज टाइम भी बढ़ाते हैं ना सर दो साल हो गया बना हुआ है सब कमिटी मेंबर बन गए सबका नाम आ गया एक मीटिंग नहीं हुआ है शुरू हुआ ई असेसमेंट की बातें हो गई तो थिंग्स आर लुकिंग लाइक यू नो न्यू इंडिया नाउ नथिंग सिटीजन चार्टर का काम ही नहीं करता मुझे लगता है वो खाली एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि हर ऑफिस के सामने लगा रहता है आप देख लो और उसमें कुछ वर्क तो होता नहीं उसके हिसाब से हम लोग एमसी का काम करते हैं एनसीटी का काम करते हैं हर जगह लगा हुआ है पर ये हार्डली यूजलेस टोटली यूजलेस सर इफ यू रिमेंबर ऑन 1st जुलाई 2017 तालाकोट्रा स्टेडियम में हमारा मोदी जी भाषण दिया पहले पॉकेट से ऐसा कलम निकाला कलम निकाल के बोला ये कलम का आपका जो पावर है इस ये पावर मेरे पास नहीं है आप ऑडिट रिपोर्ट दस्तखत कर सकते हो मैं प्राइम मिनिस्टर होकर मुझे ये
नहीं मिला है. तो फाइनेंस मिनिस्टर वाज सिटिंग बाय माय साइड उड़ीसा का. बोला सावर साहब देखो कितना रेस्पेक्ट आपको देता है. हम बोला इसके बाद गाली देगा सर आप वेट कीजिए. उसके बाद बोला वो डीमोनेटाइजेशन जो अनसक्सेसफुल हुआ उसमें मैं थोड़ा सा सक्सेस में जो ये हुआ आप लोग सब रात में लाइट लगता था बैंक मैनेजर आप और आपका वो बिजनेस क्लाइंट तीनों मिलकर ये सब धंधा किया है किसी को नहीं छोड़ेगा ताली मारे सब. एवरीबडी वाज क्लैपिंग जब वो हमको गाली देता है. फिर वो बोला वेरियस कंपनीज आर देयर विच आर नाम के वास्ते कंपनीज एंट्री का धंधा होता है उसमें आप लोग का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो कंपनी में ना उसको छोड़ेगा कंपनी वाला को ना आपको छोड़ेगा. ताली बजे फिर ताली मारा. तो मैं बोला सर देखा फाइनेंस मिनिस्टर को एक थप्पड़ से एक गाल होता है ना फिर दूसरा गाल में और एक थप्पड़ उसने दिया. Then I asked the president, दिल्ली गया था तो प्रेसिडेंट को बोला सर ताली कैसा मारते थे. वो गाली देता था और आप ताली मारते थे. ऐसा पूछने से बोला हम नहीं ज्यादा वो पीछे से बीजेपी का लोग बैठे थे रे. अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग को ताला को तेरा स्टेडियम में छोड़ा ही नहीं. those people occupied because they were told that look गाली देगा तो ताली मारना हम लोग को तो वो लोग ताली मारेगा हम धीरे से बैठेगा तो कैसा होगा. हम भी थोड़ा सा दोनों हाथ ऐसा करता है प्राइम मिनिस्टर बात करता है. एंड एग्जैक्टली 17 में हुआ था एंड उसी दिन ही आपका जीएसटी आया 1/7/2017. एंड उसके बाद अभी देखिए 4 साल हो गया. We have got deteriorated vis-a-vis the CLO के लिए problems and the other way around is हमारा institute has become also one type weak and institute को सुनते ही नहीं है. ऐसा type का भाषण देने के बाद हम लोग का जो prestige चला गया है तो उसमें institute दुर्बल हो गया है. At least NAFRAS is not so much active. नहीं तो हम लोग बोले NAFRA बोलने से लफड़ा है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन किया है इंस्टीट्यूट विल बिकम नथिंग. सम पीपल हु विल सिट देयर दे विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बट एनीहाउ इट इज नॉट दैट एक्टिव एट दिस मोमेंट. सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर जीएसटी जो इम्प्लीमेंट अभी जो हुआ है सर हार्डकोर मतलब हार्डकोर एफर्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ओनली मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के एफर्ट से ही इतना अच्छा इम्प्लीमेंट हो पाया है. ठीक है इम्प्लीमेंट होता है पर उसके बाद जो टाइप ऑफ लॉ विच तरुण वाज एक्सप्लेनिंग द वे द ड्रैकोनियन मेजर्स आर बीइंग कमिंग एंड अटैचमेंट ऑफ योर क्लाइंट्स सबसे वर्स्ट पोजीशन होता है. यू आर द कंसल्टेंट एंड द बैंक अकाउंट ऑफ योर क्लाइंट इज एक्चुअली सीज. इतना दुख क्लाइंट से ज्यादा दुख हम लोग को लगता है. साबत सर अभी जैसे विकास जी ने बताया जीएसटी में सीए का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इम्प्लीमेंटेशन में. सर आईबीसी में भी मोर देन 60% इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. इकोनॉमी को उनके लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हम लोग का काफी अच्छा सपोर्ट रहा है. साइड बाय साइड रजिस्टर वेलवर भी हम लोग के मोर देन 50% 60% है. फिर भी गवर्नमेंट चार्टर्ड को इतना सॉफ्ट टारगेट क्यों मानती है. मतलब इतना करने के बावजूद भी व्हाई वी आर सो वीक. सर दे आर थिंकिंग इतने सारे जो फ्रॉड होता है सपोज ILFS में हो गया एंड सो मेनी इवन जो ज्यादा केसेस आया लाखों करोड़ों रुपया जो बैंक्स का पूरा पूरी राइट ऑफ हो गया और अभी प्रोविजन में पड़ा है वो भी राइट ऑफ होगा. NCLT क्रिएट किया तो उधर सब हाथ टेक इन्वॉल्व किसी को दे हैव टेकन.